साहब जी, सारथी। मैं पार्थ सारथी। तमिलनाडु सरकार के मंत्री के मुताबिक मेरी जहन में आई सारी खबरें सीधा या छुपा के किसी एक से या बहुत लोगों से नहीं बताऊंगा और उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। मैं भगवान की कसम खाकर इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं। अरे अरे भाई संभाल के। ए, अबे चुप, अबे हंस क्यों रहा है बे? देख लेना तू, एक ना एक दिन मैं तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बन के रहूंगा। वो स्टेज के पास है साहब जी। मैंने तुझे कितनी बार बोला था कि 2 पैकेट नमक डालना, तूने डाला कि नहीं? अरे तू भाई, अपने मन से क्या कर रहे हो? सब सही से डाला है ना? हाँ बराबर है, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ पर इस स्लम में, इस बड़े से ग्राउंड में साफ साफ धोती और सफेद सफेद शर्ट पहनकर, रुमाल अंगोछा लेकर, पोनीटेल करके गाड़ी से मस्ती में उतरूंगा। पोनीटेल मतलब? अरे बेवकूफ, ये पोनीटेल नहीं, गाड़ी के आगे की लाइट है। अबे चुप। अरे यार ये टेंशन बारा है, ध्यान मत दो, तुम कंटिन्यू करो। हाँ, आगे 108 गाड़ियाँ, पीछे 100 गाड़ियाँ, आगे गन लेकर ब्लैक कलर ड्रेस में ब्लैक कैट कमांडोज और पीछे खाकी वर्दी पहनकर सैल्यूट मारते हुए सर्विस पुलिस साथ साथ चलेगी। बाएं हाथ में यूथ सेना होगी, पहले हाथ में महिला सेना होगी, पीछे की तरफ अपनी और सेना। हम दोनों का क्या होगा? तुम दोनों मेरे साथ एक कोने में। क्या बात है। ऐसे ही कुछ मस्ती से मैं अपने शहर में एंट्री करूंगा प्यारे। ए प्रकाश कोठारे, इधर आ। अभी आया भाई। अरे वाह भाई, मेरे कुल देवता आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मेरे कुल देवता ऊपर उड़ रहे हैं। अरे अरे जल्दी जल्दी आ जा, पकड़ो पकड़ो। अरे रुको रुको रुको, अरे संभाल के संभाल के, जल्दी 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 कर, जल्दी कर। अरे मेरे को, अरे ये तो क्या कर रहा है ये भैया? अरे डायरेक्ट कर दिया। अरे भाई पूरा 50 लीटर खराब कर दिया। अरे भाई, एक मिनट में जीरा रसम दारू रसम बन गई ना। ए सारथी, सब तैयार हो गया ना? अरे बेटा, रसम तो कुछ अजीब सा महक रहा है। अरे मामा, वो अलग तरीके से बनाया है, मधुशाला टाइप का। हम लोगों ने विदेशी इमली डाली है।
तुम्हें विदेशी इमली कहाँ से मिल गई? ठीक है, अभी सीएम आने वाले हैं, जाके कपड़े बदल के आता हूँ। आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। अरे अरे, कोई देख लेगा, ये क्या कर रहे हो? यहाँ मीटिंग में आने वालों को नशे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, और अगर कम पड़ी ना तो देसी दारू मिला देंगे ना यार। तू हमारा नेता शिवा, 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 हमारी नेता रानी जिंदाबाद, हमारी नेता रानी जिंदाबाद, हमारी नेता रानी जिंदाबाद, हमारी नेता रानी जिंदाबाद, हमारी नेता रानी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री जी। अरे यार, जिस पास तक पहुंच नहीं पा रहे हम लोग, कैसे नेता बनेंगे? हम लोग को सांभर बेच के जिंदगी चलानी पड़ेगी लगता है। ए दाढ़ी, सीएम का मतलब सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, उसका मतलब होता है कॉमन मैन। पर वो आम आदमी थोड़ा ही है। आम आदमी में से वो भी एक आदमी है, समझा? अच्छा, क्या हम दोनों सीएम है क्या? बिल्कुल ठीक। तो दीदी जरा हमें भी सैल्यूट मार दो। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। अब मुख्यमंत्री को हार पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। दिनों से बनवा रहे हो ये सब? मेरे जीजा का काम। नमस्कार। अब अपने कबीर लाल स्टेज की तरफ आ रहे हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। हर रोज हर पल देशवासियों के लिए, समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए मेहनत करने वाले मेरे प्यारे दोस्त कबीर लाल के सम्मान के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कबीर लाल मिट्टी का घड़ा नहीं है जो गिरने से टूट जाएंगे, और ना ही प्लास्टिक का घड़ा है जो दबाने से पिचक जाएंगे, और ना ही चांदी का घड़ा है जिसमें पानी भरकर रखा जा सके, वो तो सोना है सोना। अपने भाई साहब हमेशा समाज की सेवा करते आए हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जल्दी से कबीर लाल को हेलो, तभी तो वो लोग जल्दी जल्दी भागेंगे और हमें खाना खाने का मौका मिलेगा। अब हमारे सामने भाषण देने आ रहे हैं कबीर लाल जानकी लाल जी। ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, लोग भागने लगे, ये क्यों हो रहा है यार? वो क्या है ना दाढ़ी, कबीर लाल जब भाषण देते हैं ना तो थोड़ी देर में मुद्दे से हटकर गाय भैंसों की तारीफ करनी शुरू कर देते हैं भाई, और ये बात सारे गाँव वाले जानते हैं, इसीलिए सबके सब भागने लगते हैं। 25 साल का मतलब एक छोटा बच्चा अपने जीवन में जवान हो सकता है, पर यही एक गाय की जिंदगी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। वो छोटा बछड़ा जब पैदा होता है, फिर गाय बनकर लोगों के लिए अपने खून को दूध में बदल देती है, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो मांस खाने वालों के लिए वो मांस के काम में आती है। ये ऐसे ही भाषण देता है क्या? अरे कुछ नहीं दाढ़ी, ये गाय की वजह से मिस्टर बने थे, इसलिए गाय का शुक्रिया अदा करते हैं। फालतू के भाषण देता रहेगा, चल अपना काम कर। चल ये सही है, चल चलो चलो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। साहब जी, ये टेस्टी किंग रंगा नायकम अपने बहुत ही खास आदमी है, यहाँ पर एक पंडाल और लाइट का इंतजाम किया है। ओह ऐसा, सीट असेंबली ये सब्जियों से बनाई हुई बहुत अच्छी लग रही है। पार्थ सारथी, ये पार्थ सारथी कौन है? वो मेरा बेटा है। ऐसा, आप थोड़ी हाँ, हाँ, क्यों दारा पार्लियामेंट में अपना झंडा लहरा रहा है कि नहीं? बहुत जल्दी ही लहराने वाला है। चलिए सर, चलिए। हाँ, ये स्टेट है और ये सेंट्रल है। अब ये LIC बिल्डिंग जैसा क्या है? शिवा, ये LIC बिल्डिंग नहीं है, ये UNO काउंसिल है। ये मैं नहीं जानता हूँ क्या, आप जानते हैं नहीं, इसलिए पूछ रहा था। चलिए चल के खाना खा लेते हैं। ए पापड़ कहाँ है? पापड़ डालो, पापड़। आइए मंत्री जी। कहाँ बैठूं? यहाँ बैठ। आजा आजा आजा। अरे सत्या, अरे अरे, ये लोग अंदर से जाने दिया, हम इनके साथ खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे इनके साथ। बैठो बैठो। अरे ऐसे कैसे? क्या हो रहा है? पार्टी वाले बोल रहे हैं कि हम इन गरीबों के साथ खाना नहीं खाएंगे, वो लोग शोर मचा रहे हैं। रहने के लिए जिनके पास घर नहीं है, खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि इस देश में ऐसा कोई भी आदमी ना रहे
और जब तक मैं इस देश में ऐसा नहीं कर दूं, मैं वादा करता हूं, चैन से नहीं सोऊंगा, चैन से खाऊंगा भी नहीं, ये आप सबसे मेरा वादा है। क्या शिवा, तुम यहाँ हो और तुम्हारी आवाज़ वहाँ से आ रही है, ये कैसा मैजिक है भाई? साहब जी, ये मेरा बेटा है, ये साहब जी की आवाज़ निकाल रहा है, ये और भी लोगों की आवाज़ें निकालता है। यहाँ पर सभी मेरे ही आदमी है, मैं चाहूंगा कि आप सभी को खाना खाने की आज्ञा दें। कल सारथी को घर पे लेकर आ जाइए, आपके बेटे से काम की बात करेंगे, ठीक है? समझ गए ना? आइए आइए बैठिए, खाना खाते हैं। तुम लोगों की सारी समस्याएं बहुत जल्दी। भैया कल आपको सीएम ने अपने घर पे बुलाया। मैडम ये तीनों पार्टियां आप ही की वजह से चल रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है, क्या ये सच है? ये सच है कि हमारी तीनों पार्टियों में एकता होने की वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है। मैडम लोग कहते हैं कि देवी मैडम को अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर पार्टी मीटिंग चल रही है, क्या ये बात सच है? प्लीज जवाब दीजिए। ऐसा सवाल करती हो, जवाब दीजिए भाई साहब। ये सब दुश्मन नहीं है, चिल्लर है, जाने दो। तो सुनो, हमारे पार्टी मेंबर हमेशा हमारा साथ देते रहते हैं, समझ गई आप? मैडम रानी, आप लोग देवी का नायक मैडम से बोल दो कि अंदर बैठ कर बहुत आराम कर लिया, अब विपक्ष पार्टी का नेता बनकर काम करिए। मैं राजनीति से दूर जा रही हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं कि वो मेरा क्या कर सकते हैं। आप लोगों को मुझसे और भी कुछ पूछना है? चाहे वो जग्गू रानी हो या फिर कोई मग्गू रानी हो, मेरी बेटी के सामने किसी की कुछ भी नहीं चल सकती। अभी जो सरकार चल रही है वो तीन पार्टियों की मिली जुली सरकार है। सरकार में अपनी पार्टी के 21 एमएलए शामिल हैं, जिनकी वजह से सरकार चल रही है, ऐसा जग्गू रानी का कहना है। ये तो उनके पार्टी की खुद की समस्या है। देखा जाए अगर उनके तीन पार्टियों को सही ढंग से चलाने की वजह उनके नेता मुख्यमंत्री जी के साहब हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष नेता अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से हमेशा उनका साथ देंगे। पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि रिश्वत लेने वाले मंत्रियों को अपने आप पर काबू रखना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों से बात कर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद, चलती हूँ। भैया एक गुब्बारा देना। अच्छा, कितना? प्रसाद पाँच। दादी दादी वो वहाँ बैठे हैं। मैं जाकर साथी से पूछती हूँ मिर्ची रसम कैसे बनाते हैं, वो जरूर बताएगा। विपक्ष पार्टी से बात करेंगे तो आंटी डांटेगी नहीं? हमारे गांव के नेता कब किस पार्टी में किसके पास जाएंगे कौन जाने, फिर विपक्ष पार्टी कहाँ है बताओ? तुम जिस काम से यहाँ आई हो वो देखो, अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ, मैं उसे संभालती हूँ। हाय मैडम। हाय सारथी, तुमने उस दिन जो रसम दिया था उसका स्वाद अभी तक है, जिस हाथों से उसे बनाया था वो चूमना चाहती हूँ। ये मंदिर है, यहाँ चुम्मा चाटी करना मना है। ए। उसमें जो सब्जी डाली थी उसका नाम क्या है? उस सब्जी का नाम है लौकी। एक बड़ी सी लौकी लेकर उसके छोटे 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 टुकड़े करके उसमें नमक डाल दीजिए। सारथी उस रसम को बनाने की रेसिपी बता दे भाई। हाँ दीदी, ये कोई कोका कोला बनाने का फॉर्मूला बनाया है? हे भगवान, ये क्या पूछ रही है यार? नाम बताइए। पार्थ सारथी के नाम से अर्चना करानी है। राशि नक्षत्र और उसका गोत्र बताइए। राशि पूजा अश्विनी नक्षत्र शिव गोत्र है। हाँ ठीक है, आप मेरे बाद। नारियल का तेल डालकर उसे चूल्हे पर रखकर थोड़ी देर तक गर्म करें। जब आप उसे खोलेंगी तो मस्त खुशबू आएगी, फिर उसे चम्मच से निकाल कर मुंह में डाल लीजिए। क्या स्वाद था। तुम्हारी ये रेसिपी सुनकर अभी तुरंत रसम बनाने का मन कर रहा है, मैं घर जाकर अभी बनाती हूँ। अरे तो क्या आप मंदिर में पूजा करने नहीं आई थी? मन लगाकर भगवान की पूजा कहीं पर भी कर सकते हैं। गोविंदा 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 गोविंदा। ये औरत मेरे को गड़बड़ लग रही भाई। गोविंदा गोविंदा। क्या है भाई, यहाँ खड़े होकर के माता जी के दर्शन कर रहे हो क्या? अरे ये नारियल तो फूट गया यार। पूजा अर्चना कर दिया बेटा। कैसी पूजा कर दी? अभी अभी एक लड़की आके तुम्हारे नाम से तुम्हारा कुल गोत्र सब बताकर अर्चना करा के चली गई है, तुम्हें पता नहीं क्या? हाँ तो पंडित जी। बोलो बेटा। पंडित जी नारियल फोड़ने पर दो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा तो ये है, दूसरा वाला कहाँ गया? अरे क्या मैंने रख दिया? केले से शुरू करके नारियल तक ला दिए ये पापी लोग। अरे तुमको क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आने वाला? नमस्ते साहब जी। अरे आइए 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 साहब जी से आशीर्वाद लो।
हाँ ये सब देख के सीख जाओ। आपके सम्मान के लिए हमने कमाल कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत थी? तारा साहब, चाहे आप कुछ भी कर लें, पर गाय भैंस नहीं बन सकती। पैर पड़ना तो सदियों से चलने वाली परंपरा है। अब पैर पड़ने का रिवाज नहीं है, आदत बदल दो। तारा भाई साहब ने कहा कि सारथी सिर्फ मेरी तरह ही नहीं, मुख्यमंत्री की तरह भी बोल सकता है। अच्छा, बोलकर दिखाओ। यहाँ पर कुछ भी बोलने पर उसे राजनीति बना देते हैं, इसलिए कबीर लाल की तरह न बोलने वाले जानवरों की बात करने में ही हम सुरक्षित रहेंगे। सही कहा भाई। मैं हर वक्त सोचता हूँ कि देश कहाँ जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। ये न मिलने वाले जवाब हैं लोगों के, जिसके बारे में हमें सोचना है। हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी तरह जिए और खुशहाल जीवन भारत के लिए बने, मजबूत बनाएं भारत को राजनीतिक स्तर पर। मेरे भाई सारथी, तुम्हें जो भी काम चाहिए बोल दो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरे घर आकर मेरी आवाज निकालनी पड़ेगी। साहब जी, जरूर साहब जी। अरे घर में क्या साहब जी, तमिलनाडु की हर गली हर घर में आपके उत्तम विचारों को फैलाना ही मेरा लक्ष्य है साहब जी। ये तो बोल रहा था कि कोई मीटिंग की बात करेगा। क्या शिवा, लग रहा है सारथी पार्टी का सेक्रेटरी पोस्ट मांगेगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर बनते हैं, वकालत की पढ़ाई करने वाले वकील बनते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले इंजीनियर बनते हैं। मैंने भी पॉलिटिक्स पढ़ी है, तो नेताजी मुझे भी राजनीति में आना ही चाहिए ना। सही कह रहा है, पढ़े लिखे जवान आदमी अगर राजनीति में आएंगे तो ही तो देश का भला होगा। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपने जिले में जवान नेता का पद खाली, मेरी माने तो सारथी को देंगे। मुझे ये पद नहीं मिलेगा क्या नेताजी? इसके लिए कुछ नेताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए नेताजी। वो सब तो ठीक है, गाय दूध देने के लिए तैयार हो तो दूध निकालने के लिए सोचना नहीं चाहिए। शिवा ने हाँ कह दी है तो तारा जी की बात मानकर सारथी को पार्टी का पद दे देना चाहिए। तुम्हारी खुशी दिखाई दे रही है शिवा, मैं चलता हूँ, एक जवान नेता हमारी पार्टी में आ गया। चलो अब गाय को पानी पिलाना है, चलो चलो। मैंने कहा था ना ये कटता ही रहेगा। इसको क्या हो गया है? मैं यहाँ आने वाली हूँ ये वो जानता है, फिर भी वो अभी तक क्यों नहीं आया? फोन पे बात करते वक्त तो बहुत प्यार से बात करता है, मैं खुद उससे मिलूंगी यही सोच रहा है ना, पर ये होने नहीं वाला। मैं तो जा रही हूँ। पर मैं जा भी नहीं पा रही हूँ ना, प्लीज आप बुलाओ ना उसे, बुलाओ ना उसे। कविता, कविता तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अब जिला युवा सेना का नेता बन गया है, अब उससे शादी करने का ख्वाब भूल जाओ। सुना, ठीक से सुन रही हो ना मेरी बात? सुन लो। क्या डर गई थी क्या? वहाँ क्या कर रही हो? वो राजनीति में है, तुम्हें धोखा दे देगा। तुम धोखा मत खाना, ये कह रही थी। हे भगवान, इसे गूंगी बना दो, मैं 108 नारियल फोड़ूंगी। कविता, तुम कोई भी मन्नत मांगो माताजी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम दोनों की शादी की गवाह सिर्फ माताजी हैं ना। वो क्या है ना, सासू माँ आ गई ये सोचकर मैं डर गई थी। वो मना करे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? हा? तुम्हें याद है ना? ए, जल्दी नाव चला, शादी में जाना है। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो मैं इस नाव को यहीं पलट दूंगा, समझ गया? जल्दबाजी कर रहा है, देखो देखो इस हाथी, जल्दी मंगलसूत्र पहना दे, दादी माँ ढूंढ रही है। छोड़ो ना, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। ए संभल करा। ए कालिया, सब कुछ तैयार है ना? हाँ भाई, सब तैयार है। ए मनकम, तू क्या कर रहा है? जाके जल्दी से दूल्हे को तैयार कर, चल। अरे करता हूँ ना भाई। माझी, तुम जाके दुल्हन को तैयार करो। हाँ ठीक है, चलो। ए मानसी, इसके बाद मदन के साथ तुम्हारी शादी होगी। हाँ ए, इसे कौन शादी करेगा, इससे अच्छा तो मैं नदी में डूबकर मर जाऊं। छी, तुझसे कौन शादी करेगा? काली चकल देखिए क्या। ए माजी, मैं खाली हूँ, मेरे साथ शादी करेगी क्या? ए तू क्यों लालच कर रहा है कालिया, माजी तो मदन से ही शादी करेगी और कविता मेरे से करेगी, इस चीज को कोई भी बदल नहीं सकता। जाने दे अरविंद, तुझे माजी नहीं तो कोई झांसी तो मिल ही जाएगी। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके,
सारथी से कविता की शादी अभी होगी, अभी हार बदलिए। दिन वो बीते बचपन के, ये क्या है माजरा, हाँ देखे हर पल आखे मेरी सपना तेरा, छोड़ा तेरी खातिर मैंने सारा ये जहाँ, अरे दूर कभी ना जाना मुझसे तू साजना, मैं तो जान दे। सेना का नेता बना दिया, मेरा नाम खराब मत करना। इनसे नमस्ते साहब जी, ये मणिकांत है कोयम्बटूर कॉलेज से। जानता हूँ, मैंने रिकमेंड करके सीट दिलाई थी। हाँ सही कहा, ये उनके पिताजी नमस्ते, ये मामा जी नमस्ते, ये आंटी नमस्ते, और ये मंजरी, इसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली। अरे वाह, खुशी की बात है। तुम्हारी तरह के लोग ही विदेशों में जाकर सेटल होते हैं और अपने देश को भूल जाते हैं। नहीं साहब जी, मेरा रिसर्च खेत की मिट्टी के लिए है। सच में बहुत खुशी की बात है जी। धन्यवाद। सर जी चलिए, चलो भागो यहाँ से। करो सब, चलो जल्दी करो, भाग जाएगा, भाग कर। उठ जाओ बे, चलो ये बच के ना जाना चाहिए। इधर से, इधर से। आई आई तेरी तो। अरे कैसे बचाओगे तुम? कैसे बचाओगे तुम? अरे चलो, सारथी ज्यादा चोट तो नहीं लगी जी? नहीं साहब जी, बस ऐसी खरोच आई है। राजनीति में मार पीट लफड़ा ये सब आम बात है, लेकिन तुम्हें कुर्सी संभाले 24 घंटा भी नहीं हुआ, ये सब किसने किया होगा? किसी पर शक है? पता नहीं साहब जी। ठीक है ठीक है, तुम भी बदले में मारपीट पर ध्यान मत देना, किसने किया है पता करके मुझे बताना, चाहे वो कोई भी हो मैं उसे देख लूंगा। चले। ए रुको 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 रुको, कुत्ता कुत्ता। अरे कुत्ता है क्या, तुम ऐसे सड़क पर क्यों सो रहे हो? कहीं इसने हड्डी समझकर तुम्हें काट लिया तो? मिनिस्टर के कुत्ते की काटने की वजह से एक बुजुर्ग आदमी की सड़क पर मौत हो गई, ऐसी खबर छपाना चाहते हो क्या तुम? पब्लिसिटी के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तू जाके पहले शर्ट पहन के आ, यहाँ पर बॉडी बांधेगा, चिल्लाइए वरना ये कुत्ता आपका गला पकड़ लेगा, ये नहीं जानता कि आप मेरे जीजा हैं। अब चलिए। साले साहब, क्या है? मुझे बहुत दिनों से कुछ शक हो रहा है। क्या शक है? मुख्यमंत्री के घर हम कभी भी जाएं तो सीधे आगे के दरवाजे से क्यों नहीं जाते, पीछे के दरवाजे से हम क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों? आगे के दरवाजे से आने वाले साहब जी से अपना काम करवाने के लिए आते हैं, पर मुख्यमंत्री जी ने हमें पीछे के दरवाजे से आने का मौका दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने परिवार में शामिल किया है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। टॉमी, ये फालतू सवाल कर रहा है, इसे घसीट कर ले जाओ, जाओ। ए, 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 नहीं करूंगा, अरे नहीं करूंगा। कुछ नहीं साहब जी, आप गलत मत समझना, आप मुख्यमंत्री के घर पर दूध निकालकर मिनिस्टर बने हो, पर आपके मिनिस्टर बनने के बाद भी मैं सिर्फ मुख्यमंत्री के घर पर ही दूध निकालूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तुम विश्वास के आदमी नहीं हो। अरे क्या इसी को भरोसा कहते हैं? मदद तो सब करते हैं, पर वक्त पर कोई मदद करे तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अरे दूध निकाल निकाल कर मैं मिनिस्टर बन गया, इसका कारण एक गाय है, जिसके पास ताकत न हो उसके लिए पद बड़ा हो सकता है, लेकिन सिंग वाली गाय के लिए नहीं। बिजली गिर गई क्या? वहाँ देखिए, आपकी राजनीति का जड़ वो उखाड़ रहा है। तेरे चरण पड़ूं मैं। अरे ये गाय लात मार रही है। अरे साले साहब कमीने, उनके पास तेरी ये हिम्मत, मेरे पेट में लात मारता है मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। नहीं साले साहब, अब मैं नहीं करूँगा। तो दूध निकालकर मिनिस्टर बनना चाहता है? नहीं नहीं, तू मेरी जगह लेना चाहता है? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों भाई कबीर लाल? अरे मुख्यमंत्री जी नमस्कार नमस्कार। क्यों भाई, तुम्हारे जिले में घी बहुत कम मिल रहा है और सारा घी जिले के बाहर जा रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कबीर लाल, तुम्हें इसका ख्याल है कि नहीं? ये सब अधिकारी संभाल लेंगे मुख्यमंत्री जी, अपनी लक्ष्मी थोड़ा दूध कम दे रही है, ये अभी 7 महीने की गर्भवती है, ये इतना कम दूध कैसे दे सकती है? तू भी ना, गाय के चक्कर में स्टेट को ही भूल जाता है।
अरे भाई जल्दी से दे दो, हम लोग सुबह से यहीं खड़े हैं। शांति रखो, बिल बन गया है और लोगों का बिल भी बनाना है। तुम शांति रखो और ये लो अपना बिल, चलो जल्दी करो। चल फटाफट राशन दे। हाँ राशन कार्ड लाओ। क्या क्या चाहिए? 10 किलो चीनी चाहिए। चीनी देना। कितना किलो? हाँ देता हूँ। बाकी सबकी एंट्री कर लीजिए। राशन वाले का हिसाब बराबर है, जो चीजें हम मांगते हैं वो देता है और जो नहीं लिया उसकी एंट्री करता है। अच्छा ये बताइए दुकान कब तक खुली रहेगी? वहाँ देखो उन लोगों के यहाँ से निकलने तक ये लोग चावल देंगे। अरे भाई तुम तो दिखने में बहुत चालाक लगते हो, मुझे जरा डिटेल में बताइए। सर हमारी सरकार हमें 1 रुपए किलो चावल देती है, वही हम इसे खरीद कर दे देते हैं तो वो हमें 1 किलो का 3 रुपया देता है। वाह भाई वाह, 1 रुपए का 3 रुपए मिलता है क्या? हाँ। तो फिर मैं उसे 20 रुपए का चावल खरीद कर दूं तो 60 रुपए मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल। अरे ये तो एटीएम कार्ड से भी अच्छी बात है भाई। हाँ। यही बात है ना? मैं नहीं हम। अरे भाई ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 1 रुपए का चावल 3 रुपए में खरीदता है ना, वो बिल्कुल पागल है। अरे भाई साहब 1 रुपए का चावल 3 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेच देता है और यहाँ नहीं बिके तो बाहरी राज्य में चोरी से ले जाते हैं और उसे पॉलिश करके अपने मार्केट में वापस 17 रुपए में बेच देते हैं। करोड़ों का कमाते वो लोग। अब जरा बताइए वो पागल है या आप पागल है? हाँ, मैं ही हूँ। जब आपके पास इतनी सारी जानकारी है तो आप सरकार को क्यों नहीं बता देते? अरे अरे पैसे देने वाले को हम धोखा नहीं दे सकते। अच्छा ये बात है, सामने से धोखा नहीं दे सकते पर पीछे से तो दे सकते हैं ना। आइए आइए हम ईमानदारी से देते हैं, हमारा वजन बराबर होता है। मुझे 20 किलो चावल दो और शक्कर खुद ले लीजिए। एंट्री कर दो। अच्छा ठीक। हाँ आपका क्या? जल्दी करो, चावल है मेरा। हाँ सुन एंट्री कर दो। अरे उधर जाना, एंट्री कर ये लीजिए। कितना चाहिए? जल्दी से पैसा दे दीजिए। अरे थोड़ा सबर करो। चलो चलो ये लो तुम्हारा पैसा। आप वापस कब आएंगे? अरे हम कभी भी आ सकते हैं। कुछ भी हो पर आप जो ये काम कर रहे हैं ये गलत है ना, अगर पुलिस पकड़ेगी तो क्या होगा? क्या पुलिस पकड़ेगी? अपने नेताजी का नाम बताऊं क्या? तमिल शिवा नाम है उनका। चल निकल। अपने मशहूर नेता शिवा? अरे जरा तमिल से नाम लो। तमिल शिवा वो नाम है जिसका नाम सुनते ही पूरा तमिलनाडु हिल जाता है। आप भी बहुत ज्यादा मजाक करते हैं। अरे नाम लेने से कैसे हिल जाएगा? अरे भूकंप आएगा तो ही हिलेगा ना, आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। खैर छोड़ो, कुछ भी हो मेरे भाई राजनेताओं को अपनी शर्ट की जेब में रखते हैं और पुलिस वालों को भी शर्ट की जेब में रखते हैं। अगर तुझे कोई समस्या हुई तो भाई का नाम ले लेना। ए चल भाई चल। चलो हाँ, भाई चलो चलो। ये लो 10,000 रुपए। ये क्या सर, सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं? इतने पैसे तो कलेक्टर ऑफिस में काम करने वाला आम कर्मचारी रिश्वत ले लेता है, मैं नहीं। अगर मैंने ये पैसे चेक पोस्ट पर दिए तो मेरे मुंह पर फेंक देंगे। अबे सरकार तुम्हें सिर्फ महीने के महीने पगार देती है लेकिन मैं तुम्हें हर लोड पर पैसे देता हूँ। नहीं सर, वो जो पैसे मैं दे रहा हूँ चुपचाप लेकर निकल लो। ठीक है सर। अरे वाह रे वाह, लोड आ गया। आजा 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 मेरे राजा। हेलो भाई, आखिरी लोड आ गया। तो अरे एक घुसा दूंगा तो तेरा ठोबड़ा टूट जाएगा। आखिरी लोड सुबह सुबह अपशकुन कर रहा है। तुम लोगों के भरोसे धंधा बंद करना पड़ेगा। कौन है भाई तू? अरे तेरा बाप हूँ, समझ में नहीं आ रहा? अरे तेरी माँ का पति हूँ। सर ये सर्वेश है, IAS ऑफिसर, सिविल सप्लाई के डायरेक्टर। Hey! सब लोग मिलकर काट डालो इसको, यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए। अरे कहाँ भाग गए सब? अरे बचाओ मेरे को। अरे अरे पकड़ो इसको। अरे मारो मारो उसको। अरे
देखो पुलिस आ रही है, अगर किसी ने कुछ बोला तो याद रखना वापस आकर के तुम लोगों को फिर मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बोलेंगे। अरे हमें कहाँ ले जा रहे साहब, हमें छोड़ दो सब, हमें छोड़ दो सर। वेरी गुड सर। सर 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 आइए आइए। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज सरकारी अधिकारियों से लेकर ये डुप्लीकेट सन्यासी तक कोई भी अपना काम शांति से आप लोगों की वजह से नहीं कर पाता है। जहाँ हवा भी नहीं जा सकती है आप लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं। मिस्टर सर्वेश्वर ने राशन की दुकान पर रेड डाली है और इससे ये सामने आया है कि राशन की दुकान से चावल चोरी हो रहा है। इसे रोकने के लिए सर्वेश्वर क्या करेंगे चलिए जानते हैं। सरकार तो आम गरीब लोगों को एक रुपए में चावल देती है, इस चावल को ये लोग 3 रुपए में खरीद कर वापस सरकार को 8 रुपए में बेच देते हैं। जब तक इस तरह के लोग रहेंगे तब तक सरकार की कोई भी योजना का फायदा जनता को नहीं पहुँचेगा। धन्यवाद। हम इस बारे में आपको और भी खबरें आगे देते रहेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कॉफी दो। सुनो बेटी, दामाद जी के इस काम के बाद ट्रांसफर कंफर्म्ड है इसका। हेलो। हाँ ऐसा क्या दामाद जी? ये फोन आपके लिए है, सीएम ऑफिस से आया है। सर, ओके सर। मैंने बोला था ना ऐसा ही होगा। मैं तुरंत आता हूँ सर। बेटी बहुत गर्मी है, अगर हम लोग ऊटी कोडैकनाल जाएं तो कैसा रहेगा? सिर्फ 3 महीने की बात है, वापस ट्रांसफर हो जाएगा, तब तक तो गर्मी से बच जाएंगे ना। हाँ बताइए सर्वेश्वर जी। सर ये चावल के घोटाले में अपने पुराने नेता शिवा का हाथ है। हाँ। इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। हाँ हाँ। सिर्फ इसी काम से 50 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है सर। ऐसा है तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक स्पेशल ऑफिसर बनाता हूँ, फिर आप इसके बारे में कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। आप उस तमिल वाले शिवा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं ना? उससे सावधान रहिए, राजनीतिज्ञों को मारना है तो एक ही बार में मार डालना चाहिए, वरना वो भारी पड़ सकता है। ऐसा मौका नहीं आएगा सर। कौन है ये? पता नहीं साहब जी। नमस्ते मंत्री जी। कोई शादी करके आशीर्वाद लेने आया है, तुम अंदर जाकर पर्स ले आओ। जी साहब। आओ। नमस्ते जी। आओ आओ बेटी, आओ आओ। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। भाई तुम इसी गांव के हो? बगल वाले गांव का हूँ साहब जी। ओहो, तुम किसके बेटे हो? नरसिम्हा का बेटा हूँ। नमस्ते, नमस्ते। हमने आज ही शादी की है, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। प्रिया साहब जी के पैर छुओ। खुश रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। तारा तुम्हारा भी भला होना चाहिए ना। Oh!
कोई फ्लैश न्यूज़ दे रहा है। श्रीमान थराय की किसी खतरनाक लोगों ने गला काटकर हत्या कर दी है। इस हत्या के कारण पूरे शहर में टेंशन का माहौल है। श्रीमान थराय की ऐसी दर्दनाक मौत के कारण उनकी पार्टी के लोग और सरकार के समर्थन करने वाले नेताओं ने भी चिंता जताई है। अभी अभी खबर आई है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय GK जी और श्रीमान कबीर लाल और पार्टी के अन्य नेता मिनिस्टर साहब की लाश किसी भी वक्त उनके घर पर ले आ सकते हैं। सन 1945 से 1956 के बीच देविया पार्टी से वो तमिलनाडु स्टेट असेंबली के लिए चुने गए थे। लगातार 4 बार जीतने के कारण वो पार्टी के खास नेता बन गए थे। उनकी मौत के कारण पार्टी को बहुत ही बड़ा धक्का लगा है। शोक सभा में सभी लोग शामिल हो गए हैं। पक्ष विपक्ष के नेता भी यहां पर संगठित हुए हैं। इस केस की छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। कातिल जल्द ही सामने आएगा ऐसा सरकार कह रही है। अब ये देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या कातिल को पकड़ने में सच में पुलिस कामयाब होगी? मारे गए नेताजी के क्षेत्र उद्यपति से हमें चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। उस क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार खड़ा किया जाए, हमने सभी दलों से बात की और फैसला ये निकला है कि हमारा उम्मीदवार अनिल कुलकर्णी होगा। ये आपस में बातचीत करके हम फैसला कर लेंगे। ये सिंह दाना खा खा कर पार्टी को डुबा देगा सर। ये लो, पार्टी के सभी नेताओं को बता देना, इस इलेक्शन में वो उम्मीदवार खड़ा होगा जिसने आज तक कभी भी इलेक्शन ना लड़ा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जो उम्मीदवार इलेक्शन के लिए खड़ा होगा वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ये मुझे पार्टी का ये फैसला मंजूर है। क्या बोल रहे हैं नेताजी, ऐसा मत कीजिए। रुको, मैंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार चुन लिया है और उसका नाम बताना चाहता हूँ। नमस्ते। तुम बाजू हटो, तुम किधर? भाई सारथी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित करता हूँ। नेताजी आप ये क्या कह रहे हैं? आप धन है, भगवान है मेरे लिए। नेताजी मैं आपकी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? नेताजी नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। चुप हो जा रे। भाई सारथी को अपना उम्मीदवार चुन लिया है और जो कह दिया वो कह दिया, डंके की चोट पे कह रहा हूँ मैं। ये मेरा अंतिम फैसला है। अरे तुम लोग चुप रहो, मैंने सोच समझ के फैसला किया है। नेताजी आप बहुत बड़े दिल वाले हो। नेताजी बहुत बड़े दिल वाले हो। नेताजी अरे तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अरे हम भाई भाई की बात है, छोटा भाई खड़ा हो या बड़ा भाई खड़ा हो, एक ही बात है, जीत हमारी ही होनी चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है, चाहे कुछ भी हो जाए। जाओ जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। माता पिता मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाले भाई शिवाजी की जय हो। हमारे नेता शिवाजी। उतरो दोस्त उतरो, हम खुशियाँ मनाएंगे। ये जगह खरीद लेंगे, उस तरफ की तुम्हारी, इस तरफ की मेरी, इस तरफ की इसकी। भाई साहब आपने जब सीट के लिए मना किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, जानते हो आप। दोस्त तुम्हें MLA बनने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पेट पे तो लात मत मारो। एक बात बताओ भाई, MLA का क्या मतलब होता है? तू फालतू में मुझे टेंशन मत दे। क्या मुझे मालूम नहीं है? तू मुझे बेवकूफ समझता है? तुम्हें भी नहीं मालूम है तो मान जाओ ना। चलो मान गया। ऐसे बाहर जाकर बातें मत करो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पर इसके लिए तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना पड़ता होगा ना भाई। तुम लोगों को रखकर मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब एक बात बताओ, मैंने भी तो MA किया है, बीच में अगर L डाल दूं तो MLA हो सकता है ना? बीच में L डाले तो MLA। अरे भाई तुम मुझे कंफ्यूज मत कर। इतना सब भी नहीं जानते हो क्या? इंडिया में ऐसे लोग बसते हैं इसीलिए तो राजनीति का ये हाल है। चलो Ha 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 ha
I am the king. King of the world. आज मैं युवा नेता हूँ, कल एमएलए, एमएलए के बाद पार्थ सारथी मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर। भाई मंत्री जिंदाबाद, हमारा मुख्यमंत्री पार्थ सारथी जिंदाबाद। बस करो भाई, बस करो, क्या बोलने जा रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या? पहले ही बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, पहले उन मंत्रियों का नंबर आएगा, उसके बाद फिर जाकर मेरा। अरे अपना रास्ता वो नहीं है भाई, अपना रास्ता तो कुछ और है भाई। पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं कि इस क्षेत्र से शिवा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। शिवा को पद का लालच नहीं है, इस पार्टी और देश को सारथी जैसे युवा नेता की जरूरत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा भाई है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वो योग्य उम्मीदवार है। हमारा नेता कैसा हो, सारथी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सारथी जैसा हो। मेरे एरिया के लोगों, आपके प्यार और दुलार के सहारे आपका ये पार्थ सारथी ये वादा करता है कि आपकी सारी मुसीबतों को दूर करूंगा और आप सबके लिए खुशहाली लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। कैसा हो, सारथी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सारथी जैसा हो। इस इलेक्शन में पार्थ सारथी का जीतना जरूरी है। पार्थ सारथी जिंदाबाद, पार्थ सारथी जिंदाबाद। उदयपुर पट्टी में आज सुबह से ही वोटिंग हो रही है, सुबह से ही लोग वोट दे रहे हैं, आदमियों से ज्यादा औरतें लाइन में खड़ी होकर वोट दे रही हैं। ये आश्चर्य की बात है, ऐसा मौका पहली बार आया है। स्टेट असेंबली के हुए इलेक्शन में सत्ता पार्टी के उम्मीदवार श्री पार्थ सारथी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 40,000 वोटों से हरा दिया है। हमारे पार्थ सारथी जी भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल तक मेरा सारथी एक आम आदमी था, तो मैं इस घर में आ सकती थी, घूम सकती थी और कोई सवाल करने वाला भी नहीं था। लेकिन अब तुम एमएलए बन गए हो और मैं विपक्ष के एक्स मिनिस्टर की बेटी हूँ, और अगर ऐसे में किसी टीवी वाले ने, न्यूज वाले ने देख लिया तो ये न्यूज बन जाएगी। तुम्हें डर लग रहा था तो यहाँ क्यों आई तुम? इसलिए। अब तक तुम मुझे दो बार हार पहना चुकी हो, अब मैं सारे गांव को बुलाकर उनके सामने तुम्हें हार पहना दूंगा। सच कह रहा हूं। हमारा नेता शिवा जिंदाबाद, 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 हमारा नेता शिवा जिंदाबाद। नमस्ते नेताजी, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपने भाई को एमएलए बना दिया, मैंने अपना काम कर दिया। हमारी गठबंधन सरकार में अपने तमिल अरासन मिनिस्टर थे, और भाई की जगह पर, भाई की जगह पर, अरे बड़े भाई की जगह पर हमेशा छोटा भाई रहना चाहिए। अब सारथी को जल्दी से मिनिस्टर बना दीजिए। नेताजी, ये क्या नेताजी, आप मुझे मिनिस्टर बनाना चाहते हैं? मैं मिनिस्टर बनूंगा? मुझे लगता है आप मेरे प्यार में पागल हो रहे हैं नेताजी। अभी तो मैं होश में आया हूँ सारथी। मंत्री पद के लिए मना कर। अरे भाई, उस दिन एमएलए की टिकट ना लेने का नाटक कर रहा था ना, वैसे ही मिनिस्टर ना बनने का नाटक कर रहा है ये। मैं इस लायक नहीं हूँ नेताजी। अरे रे रे, सब कुछ जानने के बाद अगर तुम्हें मिनिस्टर बनना होता तो 60 साल में एंट्री मिलती तुम्हें। वो देखो, यहाँ सबके बीच शेरनी की तरह खड़ी जग्गू दीदी पावर सप्लाई मंत्री हैं। अभी देखो तुम, जग्गू दीदी क्या इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से ले रही हो? मैं? पानी से। जीजा, हाँ, तुम बोतल का ढक्कन खोल दिया, उंगली अंदर डालो। डाल दी। शौक लग रहा है? नहीं नहीं लगा दीदी। अरे भाई, ये जो कह रहा है सही कह रहा है क्या? हाँ वो सही कह रहा है, क्योंकि उसने चप्पल पहनी है। दीदी, मैं तो सिर्फ हमेशा नेताजी की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे मंत्री मंत्री नहीं बनना है दीदी। अरे भैया, क्यों मना कर रहे हो तुम बच्चों की तरह? तू सिर्फ नाम का मंत्री होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। और क्या भाई, जान मांगोगे तो भी दे दूंगा, मंत्री बनना है ठीक है, बन जाता हूँ। हमारा नेता शिवा जिंदाबाद। आप चुप रहिए ना साले साहब, ये सब वो बोलेंगे। हाँ, पता नहीं क्या बोलते रहते। इसमें थोड़ा सा बचपना है, आप कहे तो इसे मंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दे। शिवा, मंत्री पद के लिए जिद करने वाले मैंने आज तक बहुत देखे हैं, लेकिन मंत्री पद के लिए मना करने वाला पहली बार देख रहा हूँ। मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। मैं पार्थ सारथी, मैं अरविंद पार्थ सारथी, यह शपथ लेता हूं
कि तमिलनाडु सरकार का मिनिस्टर होने के नाते ये वादा करता हूँ कि मेरे पास आई हुई किसी भी खबर को सीधे तौर पर या अनजाने में किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि सरकार की गोपनीयता को हमेशा बरकरार रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। दीजिए दीजिए। आइए। नमस्ते। नमस्कार। आइए। ये हमारा स्टाफ है। ये बाबू है। नमस्ते। ये सुंदरम है। नमस्ते। और ये शीला है। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। आपको बहुत सारी फाइलें देखनी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी। ठीक है ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक है। थैंक यू सर। नमस्ते। हाँ चलो अभी हाँ फोन पे कांटेक्ट पे रहना। हाँ प्लीज। सुनिए, वो जाते समय दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ओके सर। अपने गांव से चेन्नई तक। सबसे पहले जिले का यूथ सेक्रेटरी, उसके बाद एमएलए, और आज मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ चुका है ये पार्थ सारथी। चलो नाचा। चलो नाचो। साहब बन गया। साहब बन के कैसा बन गया। यस कम। आइए आइए सर, इन फाइलों को देख लीजिए। ठीक है ठीक है, जाइए। वाह वाह वाह, हमारा दोस्त अच्छे से फाइल देख रहा है भाई। सुनो भाई, इस फाइल को लेकर ऐसे बैठना है या फिर ऐसे बैठकर फाइल देखनी है, ये सोच रहे हैं। सर, सीएम ऑफिस से आपके सेक्रेटरी के लिए सर को भेजा है। हेलो, आई एम सर्वेश आईएएस। सर, सर्वेश जी आप यहाँ? आप तो बहुत बड़े ऑफिसर हैं सर। बैठिए सर, बैठिए सर। आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ सर। सर, ये सब देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम तो सरकार का काम करते हैं, सत्ता चाहे जिसकी हो हमें उसके नीचे ही काम करना पड़ता है। हम लोग किसी भी हाल में 60 साल में रिटायर हो जाते हैं सर, लेकिन आप लोगों के रिटायरमेंट का कोई समय ही नहीं होता है। सर, ये मेरे मामा हैं और ये मेरा खास दोस्त है। नमस्ते। सर, मुझे मंत्री पद का कोई भी अनुभव नहीं है सर, और इनको भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है सर। अब आप ही संभालिएगा सर। अरे मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि आप लोग कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन वोट देने वाले लोगों को अरे मजाक कर रहा था। वो तो सच है। इधर देखो, तुम्हारे इलाके का एक मंत्री बिना बोले जो देगा और ले लिया ना, तो भी 50 करोड़ मिलेगा सारथी। अरे आप तो बोल रहे थे कि कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मामा जी तो कमाल की बात कर रहे हैं। नहीं सर, ये लिस्ट हमारे लिए तैयार नहीं हुई है। ये लिस्ट मैं आपको सौंप दूंगा सर, उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसे चेक करें कि कहीं कोई गलती ना हो। सर, अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि गलती आखिर कहाँ हो रही है, तो आप और हम लोग मिलकर उसे आसानी से रोक सकते हैं। क्या कहते हैं सर? मैंने भी अपने हिसाब से एक लिस्ट बना कर रखी है। आजा मेरी बाहों में आजा, आज नहीं तो कल, आके दिल में समा जा। बिल्कुल सही। देख रहे हो शिवा, मिनिस्टर बनने के बाद इसका लुक ही बदल गया है। कबीरलाल जी, आप यहाँ इस पार्टी में कैसे आ गए? अरे शिवा की दी हुई पार्टी में अगर मैं नहीं आता तो कैसे चलती? तीन पार्टी से मिलकर बनाई गई सरकार। मैं अगर इस पार्टी में नहीं आता तो सब पार्टियां मिलकर बोलती कि हमारी पार्टी हो गई। तो आप जानवर की बात छोड़कर पार्टी की बात करने लगे? हाँ, वह क्या है ना, राजनीति में हर पार्टी खास होती है। रूलिंग पार्टी, अपोजिट पार्टी, अलायंस पार्टी, ऐसी सब पार्टी का फैसला करने के लिए पार्टी दी है। मिली जुली पार्टी बनाने वाली भी पार्टी होती है। क्यों पार्टी? मुझे एक दूसरी पार्टी में जाना है। सुनो साथी, मैंने एक पार्टी को बिठा के रखा है, चलो उसे मिलता हूं। पार्टी को फसा लो। अरे आप भी ना कबीरलाल, चलो सब लोग चलते हैं। चलो साथी, चलो तो सही। मिलो उससे, बात करो, पूछो उनसे आखिर चाहते क्या है वो लोग। यही है। अच्छा, पेरिस भी गई थी? नमस्ते, इनसे इंग्लिश में बात करो। मिस्टर फेलिक्स, ही इज मिस्टर शिवा, एक्स मिनिस्टर, ही इज मिस्टर पार्थ सारथी, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। सारथी, ये लोग विदेश से हमारी सरकार के साथ एग्रीमेंट करने आए हैं। इन्होंने हमारे देश में बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री लगाई है।
उसमें नया केमिकल बनाया है, पर वहाँ की सरकार इन्हें रिसर्च करने से रोक रही है, इसलिए ये लोग यहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं। अगर कुछ अच्छा हो गया तो किसानों की किस्मत खुल जाएगी। अरे बहुत दिनों से साइन किए बिना ही टेबल पर फाइल पड़ी है। अय्यर साहब तो चले गए, इन गरीब किसानों के लिए तुम ही कुछ कर दो। कैसी बातें करते हैं आप, अगर आप कहें तो मैं किसी भी कागज पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। तू तो बहुत आगे निकल गया भाई। नमस्ते जी, इंग्लिश में सबको संभाल लेना। मिनिस्टर साहब, ये है डमलो, ये साउथ अफ्रीका में कंपनी के सीईओ हैं। ये साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आए हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए। नमस्ते। लगता है बहुत बड़ी पार्टी है, ये पार्टी छोड़नी नहीं चाहिए बॉस। मिनिस्टर सर, इस एग्रीमेंट में सिर्फ आपको साइन करने हैं। शिवा साहब ने आपको बताया होगा ना, सिर्फ आप साइन करते हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसमें क्या है? ये आपके लिए एक गिफ्ट है सर। बंद करो, बंद करो उसे। लगता है आपको किसी ने मेरे बारे में गलत बताया, ले जाइए इसे। अरे दोस्त, पैसे मिल रहे तो क्यों छोड़ रहा है यार तू? ओके सर, इसमें दो सीआर हैं, उसमें तीन सीआर हैं, कुल मिला के पांच सीआर हैं। अरे तू हटना जाने मन। अरे ये क्या है दोस्त, ये सी तीन बार बोल के क्या बस नंबर बता रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये? अबे तीन सी का मतलब तीन करोड़ होता है बे। अरे बाप रे, करोड़ रुपए है क्या? चार पांच करोड़ रुपए आ गए तो इस जैसी कितनी आ जाएंगी यार। तू खुश मत, तो अभी डील नहीं हुई है। सब मिला के दस हो गए। पब्लिक के सामने ये सब क्या है? सर सर, ये क्या कर रहे हैं सर? सर वो क्या है ना कि वो बड़ी पेटी है ना, बड़ी पेटी और उसके साथ वो दूसरी वाली, वो दोनों मेरी गाड़ी में रखने के लिए बोलो। ठीक है सर, बताइए साइन कहाँ करना। बस हो गया? नहीं सर, बस एक और। मैं मिनिस्टर बनकर पहली बार रिश्वत ले रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। सर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। थैंक यू सर। दोस्त, वो लोग जब पैसा देना चाह रहे थे तो तूने मना कर दिया। मैं तो ये सोच कर डर गया था कि तू लेगा कि नहीं लेगा। सब नाटक था यार, मेरी स्टाइल में समझे। अगर मना कर देता और वो ले जाते सीरियसली तो? अभी मना करने पर पैसे ज्यादा मिलते हैं। ओह, जितना देते हैं उसी पर मान जाओ ना, तो इमेज खराब हो जाती है यार। मैं मिनिस्टर हूँ यार, मिनिस्टर। मेरी इमेज भी बड़ी हो गई है यार अब तो। नेताजी, ये पेटी मिली है, आपकी पेटी है, आपकी अमानत। ये तो तुम्हारे पद की मिली अमानत है, मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए भाई। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। उस ऊपर वाले ने हम सब का दिल खून और मांस से बनाया है, लेकिन इस शिवा का दिल ऊपर वाले ने शुद्ध सोने से बनाया है। ये सोने का दिल वाला है। ठीक है भाई साहब, ये आपका बड़प्पन है कि आपने मना कर दिया। शुक्रिया, हाँ, शुक्रिया। शिवा भाई साहब, काजू खाइए, तबीयत अच्छी हो जाएगी आपकी। चलिए नमस्ते। हेलो, हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ। वो क्या है ना, मेरे बारे में कुछ पूछे तो बंदू मैं नहीं। बात नहीं, हाँ मैं इधर ही हूँ। देने से वो पूरा का पूरा दूध पी जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? सब लोग ध्यान से सुनो, ये पार्टी का गठबंधन नहीं, प्यार का गठबंधन है। अरे दूल्हा विपक्ष पार्टी का है तो क्या हुआ, हमारे साथ गठबंधन तो रखा है ना, जीते रहने दो। मनी वो अंकल लाइए। क्यों सारथी, अभी से सब कुछ ले जाने के लिए ब्रीफकेस साथ में लाए हो? ये कंधे पर उठाकर ले जाएगा, अभी ये मंत्री है, ये सब जेवर कविता के लिए जमा किए हुए हैं इसने। बहुत जल्दी है तुम्हें। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम दोनों की शादी हुए 17 साल हो गए, इसी ने हम दोनों की शादी करवाई थी। हाँ हाँ, मैं दूल्हे का दोस्त बना था और वो जो लड़की आपके बाजू में बैठी है ना, वो दुल्हन की दोस्त बनी थी। देर हो रही है, खाना खिलाना चाहिए कि नहीं? भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से खाना खाते हैं। मेरी बनाई हुई बिरयानी खा कर तो देखिए। सारथी, दीदी की बातों से पता चल रहा है कि सुहाग रात में तुझे मटन बिरयानी खिला कर भेज देंगे। अरे अरे। अरे
अरे ये यहाँ क्यों आ रहा है? मेरे दोस्त, ये तो मुझे शनि लगता है, 7:30 शनि। ये हमारी पुंगी ना बजा दे, हाँ ध्यान रखना। इस 7:30 शनि को देखो कैसे वापस भेजता हूँ मैं। नमस्ते नमस्ते। सर एक बैड न्यूज है, आपने मंत्री बनकर पहले ही दिन जिस केमिकल दवाइयों के प्रोजेक्ट पर आपने साइन किया था ना, उससे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है सर। उन दवाइयों के कारण 100 लोगों को नुकसान पहुंचा है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको ऐसी फाइल्स पर साइन करने से पहले हमारे जैसे ऑफिसर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये उस केस की डिटेल्स है सर। सर कुछ लोगों को नुकसान पहुंचे तो उसे दुख कहते हैं, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचे तो हादसा। ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। आपने मुझे बैड न्यूज सुनाई, मैं आपको गुड न्यूज सुनाता हूं। आप एक बहुत बड़े अधिकारी हो, एक छोटे से इलाके में एक छोटे से मंत्री के साथ काम करके आप अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपकी सेवा तो सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं पूरे भारत देश के लिए होनी चाहिए। बहुत पहले आपने गुस्से में आकर मुझे इस तमिलनाडु में नहीं रहना, दिल्ली में काम करना है, ऐसी चिट्ठी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखी थी ना, सही कहा ना मैंने? तो दिल्ली में आपको डेपुटेशन में बुलाया है। सीएम ऑफिस ने मुझे बताया कि आईएएस ऑफिसर सर्वेश्वर को हमें काम पर रखना है, बस आप एनओसी दे दीजिए। तो मैंने सोचा कि अपनी जान खतरे में पड़ने से पहले आपने मुझे यहाँ से निकालने का फैसला कर लिया है ना सर, सही है ना? लेकिन आप ये जान लीजिए ये सब बातें हमारे लिए आम हो चुकी हैं सारथी। अगर हम एक राजनेता से बच भी गए तो दूसरे राजनेता से हमें फंसना ही पड़ेगा। भारतवासियों में एकता हो या ना हो, लेकिन भारत के राजनेताओं में इस तरह के मामले में बहुत ज्यादा एकता है सारथी। जय हिंद। ये तो हमेशा रहे। तो क्या करें, आप एक काम कीजिए, मसूरी में जो आईएएस एकेडमी है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तरह ईमानदार, न्यायप्रिय और बुराइयों से लड़ने वाले आईएएस अधिकारी तैयार करके भेजते रहिए, और मेरे जैसे राजनेता उनको सबक सिखाकर उनको रास्ता दिखाते रहेंगे। मुबारक हो आपको, दिल्ली का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। जाइए जाइए, जल्दी जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी आपकी। हमें फ्लाइट की टिकट मिलती है। अच्छा, फ्री में मिलती है क्या? अगर स्कूल जाते तो पता चलता ना। खराई जी अमर रहे, नेता शिवा जिंदाबाद। खराई जी अमर रहे, हमारा नेता शिवा जिंदाबाद। करताओं और महान थराई जी के विश्वास करता हूँ मैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता है कि आप सब हमारी पार्टी को जितना सहयोग करते हैं उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। पॉलिटिक्स नहीं है, वादा है कि ये लोग उस नेता से प्यार करते हैं इसलिए मूर्ति को नहीं खोलते। अपने जन्मदिन पर, नेताजी के जन्मदिन पर, सालगिरह पर मूर्ति को हार पहनाते हैं, पेपर में बड़ा बड़ा फोटो छपे, इसलिए हमारे नेता थराई जी की मूर्ति ना बन सके इसके लिए विपक्ष की पार्टी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उनसे डबल कोशिश की और आज विपक्षी पार्टी तो कुछ भी नहीं बोली है। किससे गठबंधन करना है ये सोचकर घूम रहे हैं, ये तो खुद अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पर संभालता हूँ, आप लोग जाकर उधर देखिए कहीं कुछ गड़बड़ है। इसने समय पर ये मूर्ति बनाई, मैं उनका लक्ष्य पूरा करूंगा। उन्होंने मुझे सीधी सादी सच्ची और अहिंसावादी राजनीति सिखाई है, विपक्ष की पार्टी की तरह उन्होंने गंदी और हिंसक राजनीति मुझे नहीं सिखाई और हमेशा उसे दूर रहने की मुझे सलाह दी। इसलिए मैं विपक्ष की पार्टी से कहना चाहूंगा कि कितनी भी लाठियां चलाओ, चाहे कितने भी पत्थर मारो, हम अपनी अहिंसावादिता नहीं छोड़ेंगे। लोग हैं कितनी पार्टी है, हर महीने एक नई पार्टी बन जाती है, लेकिन किसी पत्थर से मारने की ट्रेनिंग नहीं दी तो कैसे चलेगा? बेवकूफ कहेंगे, मैं खुद इस लड़ाई में शामिल हो जाता हूँ। हम पीछे नहीं हटेंगे, सॉरी सर आप अंदर नहीं जा सकते। hey, तो जानता किसे रोक रहा है? ये तमिल शिवा है, इन्हें तो पुलिस भी नहीं रोकती, तू कौन होता है रोकने वाला? सर वेटिंग हॉल में बैठिए, डॉक्टर्स ने अंदर जाने के लिए मना किया है। क्या इसीलिए वो डॉक्टर बना है क्या? hey, गांव जाके दूसरे डॉक्टर का बंदोबस्त करो। ठीक है भाई, चलो। तमिल शिवा, तमिल शिवा, तमिल शिवा।
अरे बाहर जाके बैठते हैं हम लोग। डॉक्टर आप लोगों ने अच्छी तरह से चेकअप कर लिया है ना? सर क्या हुआ सर्वेश जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ डॉक्टर, कोई गड़बड़ है क्या? नो नो, घबराने की कोई बात नहीं है, आप हिम्मत रखिए, सब टेस्ट कर लो। सर पहले से ये नहीं, नहीं पहले आप लोग इनका चेकअप करिए। रुकिए बताइए तो बात क्या है? आप हिम्मत रखिए, इन्हें रूम में ले जाओ। एक सेकंड डॉक्टर, आखिर बात क्या है बताइए तो सही। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बताइए तो सर आखिर टेस्ट है कुछ वाले। पेशेंस रखिए। देखिए डॉक्टर मेरा टेंशन बढ़ रहा है, देखिए देखिए कुछ भी आप बताइए तो आखिर ऐसा मुझसे क्यों छुपा रहे हैं आप लोग? शांति रखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर डॉक्टर मुखर्जी फ्रॉम कलकत्ता आए हुए हैं। यू आर वेरी लकी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, प्लीज सिट डाउन। सारे रिपोर्ट्स जल्दी से सामने लाओ। मैं ठीक हूँ। हाँ डॉक्टर, ये है मिस्टर सारथी की टेस्ट रिपोर्ट्स। लेट मी सी। So young. एक छोटा सा पत्थर ही तो लगा है, इस बात को इतना बड़ा क्यों रहे आप लोग? इस छोटे से पत्थर से इसका कोई संबंध नहीं है, उस पत्थर के लगने की वजह से तुम यहाँ जरूर आए हो, यही हमें बताया गया है। मैं पेशेंट से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओके डॉक्टर, आप सभी डॉक्टर्स लोग बाहर चलिए, मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर सर प्लीज रुकिए ना सर, सर प्लीज आप बैठिए। सर ये कौन है? ये सर्वेश जी हैं, आईएएस, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी, ये यहीं रहेंगे। आप थोड़ा हिम्मत रखिए। यू हैव मेलिंग ग्राउंड ग्रोथ CIN, मियोप्लाज्म। वो क्या है ना कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। सॉरी यंग मैन, आप ज्यादा से ज्यादा 6 साल जिंदा रह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि शायद 6 महीने ही जिंदा रह सकते हैं। इस बीमारी की कोई गारंटी नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज है। गॉड ब्लेस यू। तुम यहाँ क्यों आई हो? चाहे तुम खुश रहो या फिर दुखी रहो, मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। ना तो मुझे खुशी है ना तो मैं दुखी हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम उसे भाग क्यों रहे हो? नहीं चाहिए इसलिए। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, हमेशा साथ रहने का वादा किया था ना। मामा जी इधर आइए, इसे गाड़ी में बिठा कर ले जाइए यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ए, ये क्या है बहना, पागल हो गई हो क्या? ऐसे रास्ते में हल्ला मचा रहे हो, चलो घर जाओ, चलो घर चल के बात करते हैं, चलो 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 घर चलो चलो। मैंने जो चाहा वो सब पाया, मैंने जो मांगा मुझे वो सब मिला। मैं अपनी जिंदगी शुरू करने ही वाला था, तभी मौत मेरे पीछे आ गई। आखिर मुझे किस गलती की सजा मिल रही है? मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज मैं जीना चाहता हूँ। Ha 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 ha
मामा जी, सारथी की शक्ल देखी, वो बहुत सुस्त लग रहा है। अस्पताल से आने के बाद मैंने महसूस किया वो बहुत सुस्त हो गया है। ए, ए, उधर देखो उसको, वो मिनिस्टर है और मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, फिर भी मुझे भी कुछ नहीं बता रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, क्या करें बताओ। आओ बेटा सारथी, आओ बैठो। कोई बात हो गई क्या? नहीं माँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह मार्केट जाकर मच्छी मटन सब लेकर आए हैं। मैंने इस बार तुम्हारी पसंद का नहीं बल्कि मेरी पसंद का बनाया है, खाकर बताना बेटा कैसा है। हा? नहीं माँ। क्यों बेटा, अब तू कब मेरे हाथों से खाना खाएगा? वो क्या है ना बेटा, अब तू मंत्री बन गया है, पता नहीं तुझे कब घर का खाना नसीब होगा, इसलिए मैं खिला रही हूँ। सारथी, तुम्हें क्या समस्या है बताओ। मेरी दो समस्या है पिताजी, मैं उनका हल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तुम्हें जो भी समस्या है हमको बताओ ना। भांजे, तुम्हें जो भी समस्या हो हमें बताओ, हम हल करेंगे ना। मेरी वो दोनों समस्या तुम ही दोनों। हम लोगों को समस्या बोल रहा है ये तो यार। अब क्या करना, क्या करना चाहिए? साहब एक मिनट, टाइम क्या हो रहा है? अबे घड़ी कहाँ पे, नहीं जो टाइम बताऊं तुम्हें। भाई साहब, माचिस है क्या आपके पास? एक्शन लेंगे तो क्या करूं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कल आके भरता हूँ। कहाँ जा रहे हो, पकड़ो। हेलो मिस्टर, आप ही मिस्टर है अप्पा है ना? यस। ये ड्रेस आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदा था? करेक्ट। 5,000 रूपए का ये ड्रेस है, आपने 1,000 रूपए दिए। नहीं भरूंगा तो क्या कर लोगे बोलो? क्यों भाई, तुम ये भी नहीं जानते हो क्या, आप गाड़ी खरीदते हो और किस्त नहीं भरते हो तो क्या करते हो? मैंने कहा मना किया है? सब कुछ जानते हो भी, तुम गाड़ी खरीदते हो और हफ्ता नहीं भरते हो, हफ्ता नहीं भरने पे क्या होता है पता है ना? मैंने तुमसे कहा ना पैसे नहीं है अभी मेरे पास, जब आएंगे तो भर दूंगा। सही सही तो कह रहा हूँ यार, ऐसा नहीं चलता है। ए अपनी जबान पे लगाम रख तू। ए भाई इधर सुन, अगर हफ्ता नहीं भरोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा पता है ना तुम्हें? ले जाते हैं। आप स्कूटर खरीदने के बाद ना भरो तो क्या करते हैं? चला के लेकर जाते हैं। कपड़ा खरीदने पर पैसे ना दे तो पैंट उतार देंगे। अरे मैं कैसे नंगा घर जाऊंगा बे, देखो ना बे कितना खराब लग रहा है। जब पैसे आए तो भर के ले जाना, वरना तुम्हें भी नीलाम कर देंगे। पापियो, मुझे भी नीलाम कर दोगे तो तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी सालों। यहाँ तो इज्जत जा रही है यार। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं मुझे, देख लेता तो क्या हो जाता पता नहीं। अरे वाह, चलो कहीं से तो कोई मुर्गा फंसा। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने उसे यहीं पर ये जरूरत महसूस कराई, मेरी शक्ल कोई देखेगा तभी पहचानेगा ना। मैं तो अयप्पन हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ, मैं तो अयप्पन हूँ। अरे बदतमीज, ये भी नहीं समझता क्या छुपाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए? क्या दिखाऊं, वजह क्या है बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ, मुझे पहले से ही 60 MLAs का सपोर्ट हासिल है, आपके 28 MLAs का भी सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, इस तरह से मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तुमने समझ क्या रखा है, सालों से हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी के खिलाफ है, अब हम तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मैडम, राजनीति में खानदानी दोस्ती और खानदानी दुश्मनी कोई मायने नहीं रखती है, ये राजनीति का पहला उसूल है, ये बात आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। तुमने ये शर्त मंगनी से पहले हम लोगों के सामने क्यों नहीं रखी थी? उस वक्त मुझे राजनीति का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था। देखो, दिस इज ब्लैकमेल, मेरे भाई के मरने के बाद मैंने इतने जतन से कविता को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम उसे मुझसे दूर ले जाना चाहते हो क्या? इसी वजह से मैंने इसकी शादी तुम्हारे साथ तय की, और अपने पद के लिए एक लड़की की जिंदगी खराब करो, ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरी भी जिंदगी का कुछ लक्ष्य है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? एक लड़की ने तुम पे भरोसा किया, उसे एक अच्छी जिंदगी देने के बजाय तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ये किस तरह का प्यार है? तू चुप हो जा बेटी, तुझे और तुम्हारे भाई को न्याय, इंसाफ, ईमानदारी के बलबूते पर क्या हासिल हुआ है? अगले इलेक्शन में खड़े होने के लिए पैसे तो चाहिए ना? पैसों की समस्या नहीं है, आप नहीं समझोगी। हाँ, मैं समझू या ना समझू इससे क्या बात बनेगी? इतने सालों तक तुम्हारे भरोसे पर इंतजार करने वाली को तुम क्या कहकर समझाओगे बताओगे?
समझाने के लिए कुछ भी नहीं। सारथी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है और मैं थोड़ा जल्दी में हूं। अच्छा होगा कि तुम अपनी आंटी की बात सुनो। सारथी, कविता। क्या दोस्त, हमारे टीचर ने तुम्हें एक बार स्कूल पर बुलाया है, तुम गए ही नहीं। दूसरी बार आऊंगा तो जरूर आऊंगा, बोल देना। नमस्ते 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 नमस्ते। मिलने आए सर। नमस्ते मंत्री जी, यह विश्वास जी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। साहब जी, मैंने वृद्ध पेंशन के लिए अर्जी दी हुई है, आप किसी भी हाल में मुझे पेंशन दिलवा दीजिए। साहब जी, अर्जी दी हुए एक साल हो गया ना? जी हाँ साहब, अब पहले की तरह काम भी नहीं मिलता है और कोई कमाई भी नहीं है। ज्यादा साल तक जिंदा रहना गलत है, अब जाके ये बात मेरी समझ में आई है। मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था साहब जी, इस तरह रोज रोज मरना अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे ही सामने तुम्हारी मंदिर में शादी हुई थी ना, तुम्हारे गले का मंगलसूत्र उतारकर मेरे गले में पहनाया था ना, लेकिन अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? वो सब झूठ बोल रहा है, वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेरी एक बात सुन लो, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी अपनी जान दे दूंगी, पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं चलता हूँ पिताजी। ध्यान से जाना बेटा, चलता हूँ। आप खुश हो ना? हाँ, है? तो एक काम करते हैं जीजा जी, 1000 एकड़ जमीन खरीद कर घास उगाते हैं और जहाँ जहाँ गाय अनाथ चूहा घूमेगी वहाँ वहाँ उसे दान देंगे। मुझे दे दे, सब उल्टा हो, लेकिन वो चुप रहेगा। तुम्हारी दीदी को संभाल सकते हैं लेकिन उसकी दीदी को संभाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। नमस्ते साले साहब। लगता है जीजा बहुत कमाल हो रही है, इसीलिए दोनों अंगुलियों में बड़ी बड़ी अंगूठी। साले साहब, ये चमचा अपने आपको बहुत बड़ा समझ रहा है, तुम इससे पंगा क्यों ले रहे हो? ये देखो, एक हाथ में नेताजी की तस्वीर वाली अंगूठी पहनकर गठबंधन में ये लगना चाहिए और दूसरे हाथ में जीजा जी पर विश्वास। ये कैसे विश्वास दिला रहा है? अच्छी बात नहीं है। साले साहब, आप क्यों हाँफ रहे हैं? मुझे मार क्यों रहे हैं साले साहब? धोखेबाज, तेरी अंगूठी बाई उंगली में डाली है और बाया हाथ कहाँ कहाँ डालते हो पता है तुम्हें? अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर साले साहब, ए हाथ मुंह पे मत रख बेवकूफ। और तुम क्या कर रहे हैं? तो सही हाथ में पहनी ऐसी है। वो सब ठीक है, मैं जिस गाय का दूध पीता हूँ उसी के सिंग ऊपर होने चाहिए। तूने मुँह ऊपर क्यों की? चल मुँह नीचे कर। नीचे नहीं जा रही। अगर नीचे नहीं जा रही है तो मुड़वा ले इसे और सर पर टोपी लगा के घूम। इसका भी सर मेरी तरह है। हाँ साले साहब। नहीं साले साहब, मैंने बदल दी। चल यार, बहुत तंग करता है तू, क्या आदमी है ये? चलो चलो चलो। अरे बदल दी। सर्दी 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 सर्दी। क्या है यार? ये क्या है यार, तूने अपना सेल फोन क्यों बंद रखा? मुझे किसी से बात नहीं करनी है इसलिए बंद किया यार। अरे अपना मणिकांत शादी का इनविटेशन देने आया है। बुलाओ उसे। हाँ ठीक है। ए मणिकांत, वो फ्री बैठा है, जाओ अंदर जाओ। मैं बात नहीं आती, तुम्हें शादी में जरूर आना है। कैसी बातें करता है, तेरी शादी हो और मैं ना आऊं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अगर तू बुलाने नहीं भी आता ना तो भी मैं आ जाता। क्यों माजी, तुमने जो चाहा वही मिल गया ना? आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया, बड़ी खिलाड़ी हो तुम। ये लो ये लो। ए मंत्री, ये सब क्या है? तो तू शादी में नहीं आएगा क्या? शादी में आकर दे देना। वो बात नहीं है माजी, मैं तुम्हें एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ, शादी में कुछ और दूंगा, ये रख लो। हाँ, रख लो रख लो। सारथी, मैं बोले दे रहा हूँ, अगर तू नहीं आएगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैं भी शादी नहीं करूंगा। उसमें तो मेरा फायदा हो जाएगा, मैं तेरी जगह मंगलसूत्र पहना दूंगा इसे। तू चुप कर। ये सिर्फ नाम का मंत्री का पी है, इसकी आदतें पुरानी जैसी ही है।
चलो माँ जी, मैं तुम्हें अपना ऑफिस घुमा कर लाता हूँ, आ जाओ। अयप्पा, माँ जी को जाकर हमारा ऑफिस अच्छे से घुमा दो। वही तो कह रहा था मैं, चलो ना आ जाओ मेरे साथ चलो, तुमसे अकेले में बात करनी है। हे, सब ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं? मणिकांत, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। आखिर तुम्हारे कंधे में ऐसी कौन सी तकलीफ है कि तुम इतने तड़प उठे? बताने लायक नहीं है क्या? हाँ? हे मणिकांत, ये सब क्या है? हाँ, क्या है ये सब? मणिकांत, ये सब केमिकल दवाई से हुआ है। क्या दवाई से? वो व्यवसाय को दुनिया में महत्वपूर्ण बनाने के लिए सब विदेशी कंपनी थी, वो लोग अपनी केमिकल की दवाइयों का और कीड़े की दवाइयों का हमारे देश की मिट्टी पर रिसर्च कर रहे सारथी। ये सिर्फ मिट्टी को ही नहीं, इंसान को भी नुकसान पहुंचाएगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कौन सी दवाई, मुझे उसका नाम बताओ प्लीज। VS-1445, ये कीड़े की दवाई है। इसी का एक्सपेरिमेंट करते वक्त मेरे साथ ये हादसा हुआ। ये उसकी वजह से हुआ क्या? पहले जहां पड़ा था वहीं था, बाद में बढ़ने लग गया, अब ये तेजी से बढ़ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है सारथी। डॉक्टर से मिला क्या तू? बहुत से टेस्ट करने के बाद भी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। ए, इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पे बड़े से बड़े डॉक्टर अवेलेबल हैं। मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कराता मणिकांत। मेरा दोस्त मंत्री है, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाएगा, लेकिन जो हमारे देश में करोड़ों गरीब किसान रहते हैं उनके साथ अगर ऐसी समस्या हुई तो उन लोगों का इलाज कौन करेगा सारथी? सारथी, और एक बात है, उन विदेशी कंपनियों को परमिशन तुम्हारे मंत्रालय के कुछ सचिवों ने दी थी, इसलिए मैं ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहता था। ये देखो, मेरे साथ ऐसा होगा मैं नहीं जानता था भाई। तुम्हारे राज्य में ऐसा कभी ना हो, मेरी तुमसे यही विनती है। हम सब साथ में पढ़े लिखे हैं और सब साथ में खुशी से रहते थे, वो सब पुरानी यादें हो गई दोस्त। ए, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या करूं भाई? दोस्त, तुम आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो और मैं एक साधारण सा इंसान हूं। हम लोगों के बीच बहुत फर्क है, इस फर्क को तुम नहीं मिटा सकते सारथी। सारथी, इस बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। मां जी को भी मैंने ये बात नहीं बताई है, हमारी शादी की खुशियां सब मना रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि इस वक्त ये बात हो। जानते हो, मां जी को कुछ हो गया तो वह सह लेगी, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो वह सह नहीं पाएगी। हाँ मेरे भाई, ये सच है। मैं जानता था कि जब तुझे इसके बारे में पता चलेगा तो सवाल जरूर करेगा, फिर भी तुमने कोई सवाल नहीं किया, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। मांझी की शादी की साड़ी कविता के लिए है, समझे मेरी बात? तुम्हें उससे मिलना पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर खड़ी है। हो सके तो ये मंत्री के कपड़े निकाल कर पार्थ सारथी बनकर जाकर उससे मिल लो सारथी। कविता, कविता, मुझे तुमसे बात करनी है। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कविता प्लीज, अब कुछ मत बोलो। बचपन में हमारी जो शादी हुई थी वो एक खेल था, ऐसा तुम सोचते होंगे, लेकिन मैं नहीं, मेरे लिए वो खेल नहीं बल्कि मेरा प्यार था, तुम्हारे लिए सच्चा प्यार। ए,
झंडा उल्टा लगा रहा है। झंडा लगा रहा हूँ भाई। ए ऑरेंज वाला ऊपर रहता है, क्या फर्क पड़ता है कहीं भी हो। अरे ऑरेंज वाला ऊपर रहता है। मामा जी मैंने झंडा चढ़ाते वक्त कई बार देखा है, मैं ठीक कर रहा हूँ। ग्रीन ऊपर रहना चाहिए ना। अरे मैंने कई बार देखा है ग्रीन ऊपर ही रहता है। हाँ इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, जैसे केले के पत्तों पर सांभर डालकर खाते हैं ना, ठीक वैसे ही नीचे रहे पत्ते का रंग ग्रीन होता है, उस पर रखे खाने का रंग सफेद होता है, और जो सांभर उस पर डाला जाता है उसका रंग ऑरेंज होता है। तुम लोग खाने को याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझाया। ये सारी बातें जाने बिना एक अधिकारी ने झंडे को उल्टा लगा दिया, उसी कारण उसे जीप में बिठा कर ले गए हैं। संभल कर लगाना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, कंफ्यूज कर दिया यार। नमस्ते सर। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ सर। मेरी और आपके मंत्री सारथी की मंगनी हो चुकी है। मैं कविता हूँ। तुम देविका नायकी के बहन की बेटी हो ना? हाँ सर। आपकी आंटी जब मंत्री थी ना, तब मैं उनका सेक्रेटरी हुआ करता था। जानती हूँ सर, और अभी आप सारथी के सेक्रेटरी हैं ये भी जानती हूँ मैं। अच्छा तुम तो सब कुछ जानती हो। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? शादी की तारीख तय होने के बाद एक दिन सारथी अचानक मेरे घर आया और मेरी आंटी से कहने लगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कोई बात छुपा रहा है, कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। लेकिन मैं जानती हूँ पद और पैसा छोटा नहीं होता, इसीलिए मैं आपसे बात करने आई थी। मुझे लगता है सर, मुझे लग रहा है उस पर कोई दबाव डाल रहा है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ सर, कोई तो तकलीफ है जो वो मुझे नहीं बता रहा है। मेरी मदद कीजिए सर, मुझे मेरा सारथी वापस ला दीजिए। मैं जानती हूँ वो सिर्फ आपकी बात सुनेगा। आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही वो अकेले व्यक्ति हैं जो अब हमारी शादी बचा सकते हैं। प्लीज सर, अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो। कौन है? मैं सर्वेश हूँ। आइए सर्वेश जी, भवानी कैसी है? वो ठीक है। उसे साथ नहीं लाए? कोई बात नहीं, सोच रही थी कहीं आप अपने मंत्री पार्थ सारथी की तरह हमें भूल न गए हो। जो कुछ भी हुआ वो भूलने की बात नहीं है मैडम। अब मैं समझ गई मिस्टर सर्वेश, मुझसे यहाँ बात करने के लिए उसी ने आपको यहाँ पर भेजा है ना? मुझे उन्होंने यहाँ पर नहीं भेजा है मैडम, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। I am sorry, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर आप उसके बारे में यहाँ बात करने आए हैं, then you are wasting your time and mine। मुझे मालूम था आप ऐसा ही कहेंगी। गलती करने वाले को आप चाहे भले मत माफ करो, लेकिन गलती ना करने वाला इंसान बहुत बड़ी सजा भुगत रहा है, ये बात अच्छी तरह जानती हैं। जैसे बिना कोई गलती के आप जिस बात को सजा मानकर खड़ी हैं, ठीक वैसे ही आज मैं उस हालात से गुजर रहा हूं। आपने कहा था कि अगर कोई मदद की जरूरत हो तो मुझसे मिलना, यही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। आपने जो मुझसे वादा किया था, कहीं वो आप भूल तो नहीं गई हैं? बिल्कुल नहीं भूली हूं मिस्टर सर्वेश। जो माफी आपने दी थी और जो कुछ भी हुआ था, वो सब मैं आज तक नहीं भूल पाई हूं। मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी मेरे साथ इस तरह का दुखद हादसा भी हो सकता है। स्टार्ट साउंड क्लैप 5x8 टेक 1 एक्शन। मेरी प्यारी बहनों, विदेशी कंपनियां मिल्क पाउडर 200 रुपए 300 रुपए में बेचा करती हैं, जिसे आप खरीद नहीं सकते, लेकिन अब चिंता मुक्त हो। अब भारत में कम से कम कीमत में वही मिल्क पाउडर सरकार द्वारा बनाई जा रही है, यह हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। आइए
भारत देश को ताकतवर बनाते हैं, बच्चों को सेहतमंद बनाते हैं। कट। वेरी गुड मैम, क्या शॉट दिया है आपने। ओके, थैंक यू थैंक यू। सदन में ना वंस मोर नहीं कह सकते, सरकार गिर जाएगी। देखा आपने, इस उम्र में कैमरा लाइट सब देख लिया, मेरा बेटा हीरो ही बनेगा। अरे सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है भवन, तमिलनाडु में रहने वाले अधिकतर लोगों में से हीरो बनना चाहते हैं, आपको मालूम है ना। ज्यादातर हीरो राजनीति में आना चाहते हैं। आधे हीरो लोगों को मैडम क्या है ना, अपनी कमाई के पैसे गवाकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मुझे इसी बात का डर सताता रहता है मैडम। तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा मजाक करते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम अपने लड़के को हीरो बनाना चाहती हो तो उसे राजनीति सिखा दो। हीरो बनने के लिए राजनीति की क्या जरूरत। वो क्या है ना मैडम, हमारे शहर में फिल्म में काम करने के लिए पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। और अगर राजनीति करना है तो एक्टिंग करना जरूरी है। पॉलिटिक्स वाले को एक्टिंग आना जरूरी है और एक्टर्स को पॉलिटिक्स आनी चाहिए, और आप जैसे अधिकारियों को दोनों जानते हुए साइलेंट रहना चाहिए। चलिए। मैडम आपसे कोई मिलने आया है। कौन है मनी? वो एमएलए तमिल शिवा है आपसे मिलने के लिए। वो तो एक्टिंग में बहुत माहिर है, चलो चलो। उसके लिए आया हूँ ना, जाकर बताऊंगा। नमस्ते नमस्ते। ये मिस्टर सर्वेश आईएस। नमस्ते। और ये इनकी पत्नी। नमस्ते जी। ये है तमिल शिवा। अरे रे, साहब को कौन नहीं जानता है पूरे तमिलनाडु में। यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। चलिए चलते हैं। और तमिल शिवा बताइए, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मैडम, ये लोग अपने आदमी हैं, आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहे थे, आपसे मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन मिल नहीं पाए थे। मुझसे मिलना अगर इतना जरूरी था तो सीधा सेक्रेटरीट आके मुझसे अपॉइंटमेंट ले लेते, मुलाकात हो जाती। नहीं मैडम, सेक्रेटरीट में आपसे सीधा मिलने नहीं देते हमें, इसलिए हम आपके घर पे आपसे मिलने। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। माना कि हम लोग अलग अलग पार्टी के हैं लेकिन है तो एक ही गांव के, इसी वजह से मैं इन लोगों को आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है बताइए। तुम खुद ही बता दो ना। वो मिल्क पाउडर के बारे में बात करनी थी मैडम। वो महिला संघ मिलकर बनाकर बेचते हैं ना। वो मिल्क पाउडर का बिजनेस दे दीजिए, बेचारे सबका फायदा हो जाएगा, और सच पूछिए तो मैं भी यही चाहता हूँ। अच्छा आपको तो फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा क्या? इन सब का फायदा होगा तो हम सब का भी तो फायदा होगा। ये लोग बिजनेसमैन हैं, कब किसे किसका फायदा पहुंचाना है ये लोग पहुंचा देंगे। अरे तुम भी तो कुछ बोलो। शिवाजी सही कह रहे हैं मैडम, आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। पीपल पार्टी का भला करने के लिए आपकी सोच को मैं सलाम करती हूँ। अब आप जाइए, मुझे और भी कुछ काम है। इसका मतलब है आप अपना फैसला नहीं बदलेगी? हाँ जरूरी नहीं समझती, इसको तैयार करने वाले 600 करोड़ के टर्नओवर वाले कंपनियां नहीं है, वो लोग आम आदमी हैं, गरीब है और उन्हें खरीदने वाले भी गरीब। इनके बीच में एक कॉर्पोरेट कंपनी का आना मुझे कतई पसंद नहीं, सॉरी। ठीक है मैडम, सुनो भाइयों, मैडम अपना फैसला नहीं बदलेंगी, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो चल के दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ उपाय निकल ही जाएगा। चलो भवानी। देखिए जी, ये मिल्क पाउडर हमारे बच्चे को देना मैं तो ठीक नहीं समझती। अरे ये मिल्क पाउडर बहुत अच्छा है, इसके ऐड के लिए हमारे बेटे ने एक्टिंग भी की थी, इसे देने में क्या गलत है? ये मिल्क पाउडर दिखने में अच्छा नहीं लगता है, एक काम कीजिए आप इसे पीकर ताकतवर बन जाइए, मैं पापा से कहकर अपने बेटे के लिए दूसरा मिल्क पाउडर मंगवा लूंगी। ये महिला संघ की बनाई हुई चीजें हैं, इसे आप बिंदास दे सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। कृपा करके आप मुझे उपदेश मत दीजिए। बेटा यहाँ देखो, तुम्हारे पापा ने ये पाउडर पीने के लिए कहा है, चलो पी लो। इस मिल्क पाउडर का दूध पीकर पापा की तरह ताकतवर बन जाओ, ओके? ओके ना? हेलो, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस। मिल्क पाउडर की वजह से तिरुपति में 18 बच्चे और मदुरई में 25 बच्चों की हालत बिगड़ी हुई है। सर, मिल्क पाउडर की वजह से तिरुपति में 18 बच्चे और मदुरई में 25 बच्चों की मौत हो गई है। गुड बॉय। और लो बेटा, और लो, पी लो। बस एक और आखिरी चम्मच। आप सबसे पहले सारे शहर के ऑफिस में फोन करके ये बताइए, इस मिल्क पाउडर का जितनी जल्दी हो सके इसका डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दीजिए, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है सर, जाओ जल्दी करो। देखा बेटा, तुम्हारे पापा पहले फोन करते हैं, चलो उठाते हैं। हेलो, अभी हम लोग बिजी हैं, मेहरबानी करके बाद में फोन कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे पिलाऊंगी? हाँ
आसपास के 8 जिलों में 186 बच्चे और बीमार हो गए हैं सर। इनमें से कुछ बच्चे तो बहुत सीरियस हैं। देखा तुमने, वापस तुम्हारे पापा का फोन आ गया। लो बात करो बेटा, लो। हेलो बोलो। हेलो बेटा, बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। बेटा तुम तो ठीक हो ना, मम्मी को जरा फोन दो। बेटा मम्मी को फोन दो ना प्लीज। बस बस बेटा, पापा से बाद में बात करना। हेलो। तुम दूध पी लो बेटा, चलो हम बाहर चलते हैं और झूले में बैठकर दूध पियेंगे। सर बच्चों के मरने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सारे हेडक्वार्टर्स में फोन कर दिया ना। हाँ, बता दिया। लैंडलाइन से मेरे घर पर फोन लगाओ। हाँ, करता हूँ सर। एक काम करते हैं, अब तुम स्पून से दूध पीना ठीक। रिंग जा रही है सर। पापा फोन कर रहे हैं, बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम नहीं उठाएंगे, हम गार्डन में जाकर दूध पीते हैं। चलो बेटा। हेलो ससुर जी, भवानी को मना कीजिए कि बच्चे को मिल्क पाउडर ना दें, क्योंकि वो पॉइजन पाउडर। अरे ऐसा है क्या? अरे अभी अभी बच्चे को भवानी 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 ओह शिट भवानी 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 बच्चे को जो तुमने दूध पिलाया है उस मिल्क पाउडर में भवानी जहर मिला हुआ है। हमें बहुत दुख हो रहा है, जहर के कारण 37 बच्चों की मौत हो चुकी है। मैडम देविका को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से इस हादसे की जिम्मेदार पूरी तरह से मैडम देविका ही हैं। भवानी मैं लगातार फोन करता रहा लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। क्या जिन लोगों ने पाउडर लिया था उनके भी घर फोन किया था आपने? फोन किया था लेकिन बोला कि खुशहाल ताकतवर तमिलनाडु बनाएंगे। अभी उस मैडम को फोन करके पूछती हूं। पहले फोन रखो। अरे उन लोगों ने बच्चों को मारने के लिए थोड़ी ही ऐसा प्लान किया था। इसका उत्पादन लोगों की भलाई के लिए ही किया गया था। इसका उत्पादन कोई और करता है और डिस्ट्रीब्यूट कोई और करता है। ये सप्लाई चेन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई होगी। भवानी लेकिन प्लान करने वाले सब गुनहगार हैं क्या? बताओ जल्द से जल्द इसमें गुनहगार कौन है, हम उसका पता लगा लें। पता लगा कर आप उन्हें फांसी दिलवाएंगे? और फांसी दिलवा भी दी तो क्या वो मरे हुए बच्चे वो वापस आएंगे? क्या मेरा बेटा वापस आएगा? बोलो क्या मेरा बेटा आएगा वापस? क्या वो तुम्हारा ही बेटा था? मेरा बेटा नहीं था। भवानी तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, आखिर हम क्या कर सकते हैं बताओ? आप कुछ नहीं कर सकते। 9 महीने में भी कुछ नहीं कर सकते और 9 सालों में भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी के सब लोग भूल सकते हैं लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने अपनी औलाद गंवाई है, उन 36 परिवार वालों को इकट्ठा करूंगी और आपके मंत्री के खिलाफ कोर्ट में केस करूंगी। कोर्ट में खड़ा करके उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगी। जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वही मैं भी तो कह रहा हूँ, गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर जल्दबाजी में कहीं गलत कदम उठ गया तो वो गुनहगार बचकर निकल जाएगा तो क्या करोगी? सुनो भवानी, हमारे मंत्री बहुत अच्छे हैं, वो जरूर कुछ करेंगे। अच्छे हैं? एक बात बताइए, मैं उनके खिलाफ बोल रही हूँ और आप बार बार उन मंत्री लोगों का ही साथ दे रहे हैं? क्यों, उन्होंने ली हुई रिश्वत में आपका भी हिस्सा है? अब अगर एक भी शब्द बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे रेजिग्नेशन देना है। मैडम मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। मैं गांव जाकर अपनी माँ की बेटी बनके रहूंगी, अपनी भतीजी को पालूंगी, लेकिन मैं आपकी ईमानदारी को कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। जब तक मैं जिंदा हूं आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए आप चले आना, मैं आपकी मदद करूंगी। उस दिन आपने मुझसे वादा किया था मैडम, उसी वादे के मुताबिक आज मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। बताइए मिस्टर सर्वेश, क्या मदद करूं? हमारे मंत्री सारथी जी को आप माफ कर दीजिए। उस पार्थ सारथी ने क्या क्या पता है? कविता से शादी करूंगा। बस कीजिए मैडम, कविता का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर उस छोटी सी लड़की से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दो। वैसे भी जीके के राज में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, अगर वैसा हुआ तो इसका सारा दोष आपके ऊपर चला जाएगा। देखिए मिस्टर सर्वेश, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी कोई भी बात मैं ना मानूं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे एक शक है, आप किस वजह से उसका साथ दे रहे हैं बताएंगे? आप एक आईएएस अधिकारी हैं, राजनीति के साथ आपका क्या संबंध? मैडम मुझे एक बात बताइए, कौन जीतेगा कौन हारेगा इन सब बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं है मैडम। इन सब चीजों को देख देख कर अब मैं थक गया हूँ।
इन भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। आपने जो कहा मैं करूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक्स। क्या बात है सर, आज सुबह से बिना कहीं गए गाड़ी में चुपचाप ऐसे ही घूम रहे हैं। दिल में डर पैदा हो गया है क्या? रोज रोज मौत के डर से जियोगे तो बाकी बची जिंदगी खुशी से नहीं गुजरेगी सर। मौत और बीमारी दूसरों को आए तो बात करना अच्छा लगता है, लेकिन खुद को आए तब पता चलता है। सर जी, दर्द भी सहन कर चुका हूं, वो भी अपने बेटे की मौत का। ये जो तमिल शिवा है ना, इसी ने बच्चों के मिल्क पाउडर में जहर मिलवाया था, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। उस जहरीले मिल्क पाउडर से जो बच्चे मारे गए थे उनमें से एक बच्चा मेरा भी था। सर एक दिन मौत तो सबको आनी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। श्रीमान तिरुवल्लुवर ने कहा है, जिंदगी के बारे में क्या कहा है जानते हैं सर? जो इंसान कल तक जिंदा था आज वो मरेगा, यही दुनिया का नियम है। कल तक दुनिया में जीने वाला इंसान आज दुनिया में नहीं है, यही सृष्टि का नियम है। बिल्कुल यही बात कही थी कामराज जी ने। कारण आज तमिलनाडु में पढ़े लिखे लोग दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय इसी महापुरुष को जाता है सर। फर्ज, इंसाफ और काबू, ये तीनों जरूरी है। ऐसी बातें कहने वाले हमारे महान अन्ना जी भी हैं। क्रांतिवीर MGR मर चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों के जहन में उनकी यादें जिंदा हैं सर। हर वक्त लोगों को उनको याद रखना जरूरी है। उनके जैसा कोई नहीं, ऐसा दुनिया वालों को मानना चाहिए। इन पर आधारित फिल्में बननी चाहिए और गाने भी बनने चाहिए। वाकई में ऐसा ही होना चाहिए। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वही इस दुनिया में नाम कमाता है। ऐसे लोगों को हमेशा लोग दिलों में रखते हैं, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। मुझे तो लगता है आप अगले इलेक्शन के बारे में ही सोचते रहते हैं। आप तो राजनेता हैं सर, दूसरी पीढ़ी के बारे में सोचने वाला सच्चा नेता होता है। आप राजनेता बनना चाहते हैं या फिर एक ईमानदार नेता बनकर अपना जीवन गुजारना चाहते हैं? आपकी बातें सुनकर मुझे नेता बनकर जीने की इच्छा हो रही है सर, लेकिन मेरे पास अब वक्त ही कहां है। अरे ये काफी है सर, थोड़े दिन भी बहुत हो गए हैं। बड़ी से बड़ी आग लगाने के लिए एक तिली ही काफी होती है, उस एक तिली से अंधेरा दूर हो सकता है सर। तो सर मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? गलत करने के लिए प्लान करना पड़ता है, अच्छा काम करने के लिए बस दिल को साफ रखना पड़ता है। बस आप अच्छे आदमी बनकर देखिए, इसमें कितनी खुशी मिलेगी आपको। नमस्ते। समझ लो कि तुम्हारी किस्मत ही खुल गई है, हमारा मिनिस्टर पार्थ सारथी तुम्हारी शादी में खुद आया है। तेरी मजाक करने की आदत लग गई। सारथी आ गया है, तुम जाकर मनी काम को ले आओ। चाचा आज मैं खुद बुलाकर लाता हूँ, आज मान लो कि मैं दूल्हे का दोस्त हूँ। बहुत लेट हो गई है। ए मनीकांत, जल्दी से दरवाजा खोलो, नीचे सब लोग आ गए हैं। अब मेकअप करना बंद भी करो। मैं बोल रही हूँ ना, तुम बहुत खूबसूरत हो, जल्दी से आकर मंगलसूत्र पहना दो। मनीकांत,
मणिकांत, दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहा है मणिकांत? मणिकांत, मणिकांत, सर अभी हम किसानों की देशी योजना देखने जा रहे हैं सर, जिसको सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। संभल कर सर, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसी समस्या की वजह से मेरे दोस्त की जान गई है सर। आइए सर, आज हम इसकी पूरी डिटेल निकाल कर रहेंगे। सुनिए भाई, आइए 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 सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। भाई साहब, नए व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा शक है, इसीलिए आपके पास आए हैं। नए व्यवसाय के बारे में शक होना ही चाहिए सर। आइए भाई साहब, हमारे देश भारत की लेंथ 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर आजादी से पहले भी थी और आजादी के बाद भी उतनी ही है, लेकिन उस समय आबादी 30 करोड़ थी, पर आज आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है। अगर हमारे खेतों में उत्पादन नहीं बढ़ा तो लोग भूखे मरेंगे। भाई साहब, हमारे मिनिस्टर साहब की बात सही है ना, इसके लिए नई प्रकार की खाद चाहिए, ताकतवर कीटनाशक चाहिए और अच्छे बीज चाहिए, तभी तो हमारे देश के किसान अच्छी फसल उगा सकते हैं। इंसान बदलाव लाना चाहता है लेकिन बेवकूफ बनना नहीं चाहता। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, हमें जो चाहिए वो हमें ही हासिल करना पड़ता है। नई नई अच्छी फसल बोलकर नए व्यवसाय में किसानों को प्रलोभन देते रहते हैं। नई भिंडी, नए टमाटर, नए बैंगन बोलकर व्यवसाय करवाते हैं। हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, लोगों को खाना खिलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीज अगर अच्छे नहीं होंगे तो अगले साल फसल कहाँ से पैदा होगा बताइए। ये फसल हम अपने दम पर पैदा करते हैं। सरकार हम किसानों के लिए क्या कर रही है बताइए मुझे। हम किसानों के साथ तो सरासर अन्याय हो रहा है, क्योंकि पैटर्न राइट्स अपने पास रखे हैं। इसका मतलब वो हमारे नेचुरल व्यवसाय खेती को खत्म करना चाहते हैं क्या? अरे नहीं, उन्होंने खत्म नहीं किया है, लेकिन सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। अभी तो जाग जाओ, 310 साल पहले शनि की तरह हमारे देश में घुसे वो विदेशी कंपनियां, धीरे धीरे हमारे देश को अपने काबू में कर लिया उन लोगों ने। उन विदेशी कंपनियों को भगाना चाहिए और हमारे देश में बैंगन की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा ताकतवर बीज को और खतरनाक केमिकल दवाई को इस देश में अनुमति नहीं देनी चाहिए। सरकार की अनुमति के कारण ही मणिकांत नाम के एक जवान किसान लड़के की मौत हो गई, जानते हैं मंत्री जी? आप जैसे लोग इसे रोक सकते हो, नहीं तो यह सिलसिला जारी रहेगा। मेरा एक सिग्नेचर इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझसे गलती हुई है और इस गलती को सुधारूंगा भी मैं ही। हे, तू मुझे बताएगा मुझे क्या बोल रहा है? भाई पर भरोसा किया तो उसे खत्म करके आना चाहिए था। अपनी शक्ल देख, मंत्री बनेगा। इस बार हम कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते भाई, सोच समझकर फैसला करना होगा। अभी सोचकर क्या फायदा, खुद के भाई पर भरोसा करना चाहिए। अभी उसने आप ही को फंसा दिया ना, आपके प्यारे भाई ने। कुछ भी बोलती रहती हो, बस करो बस करो बस कर बे। देखा आपने इसे, ये मुझे डायलॉग मार रहा है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। कर रहे हो भैया, मुझ पर नाराज होकर क्या फायदा? मुझे आपके सारथी की तरह ओवर एक्ट करना नहीं आता है। कल वो सबको ठेंगा दिखा देगा और हम सब जेल की हवा खाते रहेंगे। पहले उसे ठंडा करो। ठीक है, वो तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये भी तो सोचो, उसको हथियार बनाने वाले वो सर्वेश आईएएस, उसका क्या करेंगे? ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम जीके से बात करके उसे मंत्री पद से हटा देंगे, फिर वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। चलो वो तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसको हथियार बनाने वाले सर्वेश्वर आईएएस का क्या करेंगे बताइए? सर्वेश्वरन का हम ट्रांसफर करवा देंगे, समझ गए? जीके इसके लिए मानेगा क्या? नहीं मानेगा तो गठबंधन करके सरकार गिरा देंगे। सरकार गिराकर? हाँ भैया, सरकार गिरा देंगे तो लोग और प्रेस वाले ये सारी बात अपने आप भूल जाएंगे। ठीक है, आप जाकर जीके से बात कीजिए, मैं इस मंत्री को दिखाता हूँ कि खून कैसे निकलता है। क्या मस्त हवा चल रही है, अच्छी नींद आ रही है सर। हेलो, कलेक्टर सर्वेश साहब हैं क्या? ये क्या आवाज सुनाई दे रही है? श्रीमती सर्वेश जी बोल रही हैं? मैंने इसलिए फोन किया है कि शिवा से लड़ने वाला कोई भी चैन की नींद नहीं सो सकेगा। मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके सर्वेश साहब सेलम से चेन्नई गाड़ी में जा रहे हैं। अच्छा छोड़िए ये सब, कल सुबह टीवी में न्यूज देखना नहीं भूलिएगा, तभी पता चलेगा कि मुझसे टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है।
अरे आगल कहीं का। सुनो डॉक्टर, अरे डॉक्टर इधर सुनो, वो डॉक्टर क्या कहा हमारे भाई से बताओ। आपको सच बताऊं? हाँ बताओ। ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ। आपका सारथी कभी भी मर सकता है क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर है और वो भी लास्ट स्टेज पे है। साहब जी। ओ सारथी आओ, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे और शिवा के बीच क्या लफड़ा है? साहब जी मुझे पद से हटाने के लिए तमिल सेवा और जग्गू रानी आप पर दबाव डालना है सर जी। बस यही बात है, जानता हूँ साहब जी, आप मुझे सिर्फ एक दिन के मुद्दे। सारथी IAS की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, देश में क्या चल रहा है मैं भी जानता हूँ। तुम दोनों उसको संभालोगे या फिर सरकार को डुबा दोगे ये बताओ। चीफ मिनिस्टर की यही समस्या होती है सर, कोई जिए या कोई मरे क्या फर्क पड़ता है, हमारी सरकार नहीं डूबनी चाहिए। अब तुम भी मजाक करने लगे यार। मेरा कहने का मतलब ये था, एक मिनट आप बाहर जाएंगे? हाँ बैठो बैठो। सर वो बैठो, क्या है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ हो गई है। भाई आपका फोन। कौन है? अरे बोल ना किसका फोन है। CM ऑफिस से। हेलो नमस्ते, क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है शिवा?
तुम सारथी को गुंडे भेजकर मरवाना चाहते हो, ऐसा कह रहा है वो? काहे को फोन दिया मुझे? साहब कैसी बात कर रहे हैं, अपनी पाली हुई बकरी की बिरयानी मैं कैसे बना सकता हूँ? ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? उस लड़के को कोई भी अनुभव नहीं है, कोई भी कुछ भी बताकर मुझसे दुश्मनी करके मेरा नाम खराब करना चाहता है। सारथी बगल में खड़ा है शिवा, तुम चाहो तो उससे ही बात कर लो ना। सारथी आपके बगल में खड़ा है, आप उसे फोन दो, मैं बात करना चाहता हूँ। अरे सारथी, शिवाजी तुमसे बात करना चाहते हैं, ये लो बात करो। नेताजी। क्या है, क्या समस्या है, बताओ। समस्या नहीं है नेताजी, वो आपका मेरे साथ इतना सपोर्ट है, मैं भला आपके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? नेताजी सोचिए ना आप जरा, प्लीज। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि अनुभवी लोगों की बातें माननी चाहिए। चलो मैं संभाल लूंगा, जीका को फोन दो। जी जी, अच्छा नेताजी, एक मिनट नेताजी, एक मिनट। सुनो भाई, वो सारथी जो है ना, उसे रूम में बिठाओ और उससे कहो कि मैं बाद में आकर बात करता हूँ। यस। हाँ तो शिवा, तुम दोनों मिलकर ये सारथी को इज्जत क्यों नहीं दे रहे हो यार? उसे मरवाने की क्यों सोच रहे हो? पार्टी का बहुत नुकसान होगा। अरे साहब जी, ये छोटी सी बात है, ऐसी बातें आप तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तो ठीक है, अब तुम लोग ऐसा करो, एक प्रेस मीटिंग रखो और मीडिया को बुला के तुम दोनों के बीच में कोई भी कड़वाहट नहीं है ऐसा हंस के बोल दो। साहब प्रेस मीटिंग में? मेरी बात नहीं मानोगे शिवा? अरे आप राजनीति के चाणक्य हैं, ये बात आपको पता नहीं है क्या? कल के प्रेस मीटिंग में आप देखना मेरा कमाल। शिवा, आप लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है, तो ऐसा वैसा कुछ मत कर देना। तुम और बहन रानी मेरे खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले हो, ऐसा मत होने देना। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा, जाने दीजिए। हाँ ध्यान रखना। भाई एक बात बताइए, वो जी के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगा क्या, बताइए? मैंने ऐसा बोला क्या? एक तीर से दो शिकार करेंगे, एक तरफ सारथी हमारी जाल में फंस जाएगा और सरकार डूब जाएगी। कल सुबह का पेपर पढ़ लेना, सिर्फ हमारे ही न्यूज होगी। ए, चलो रे नारियल तोड़ो। टीवी देखा क्या? जग्गू रानी अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाली है। देखो इस समय हम लोगों का जो भी फैसला होगा वही फैसला तमिलनाडु का भविष्य तय करेगा, समझ गए? जाकर हमारे लोगों को समझाओ। हमेशा मेरा साथ देने वाले सारे प्रेस वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। परछाई की तरह हमारे साथ खड़े रहने वाले हमारे भाई कुछ गलत लोग जानबूझकर हमें अलग करना चाहते हैं। इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। इन सारी अफवाहों को दूर करने के लिए हमने ये प्रेस मीटिंग रखी है। क्या सच है और क्या झूठ है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई सारथी आपको सब कुछ बता देगा। सब कुछ बता दो क्या नेताजी? सब कुछ सच सच बता दे। पक्का सब कुछ बता दूं? अरे बोला ना सब कुछ बता दे। ठीक है, यहाँ आए हुए सभी प्रेस वालों का मैं स्वागत करता हूँ। कीड़ों की दवाई के घोटाले में मुझे साइन करने के लिए नेताजी के लोगों ने मुझसे कहा था, मैं बोला इनकी बात कैसे, एक पेटी दी लेकिन मैंने मना कर दिया, फिर उन्होंने मुझे दो पेटी का लालच दिया तो फिर मैं मान गया। अब आप ही बताइए, पैसे की दो पेटियां वाला किसी को बुरी लगती है क्या? क्या हुआ नेताजी? आप लोगों के लिए कमाल का खाना तैयार किया है, आप लोग जाके खाना खा लीजिए, फिर हम सब कुछ बता देंगे क्या सच है क्या झूठ है। चल चल आप लोग खाना खा के आइए। चल तू देखिए, मैंने आपसे कहा है ना ये फाइल लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मुझे पता है ना। माननीय डेप्यूटी स्पीकर जी, मुख्यमंत्री जीके की उस गठबंधन वाली सरकार ने हमें धोखा दिया है, और इतना ही नहीं उन्होंने तमिलनाडु के लोगों को भी धोखा दिया है, इसलिए इस सरकार को अब हम अपना समर्थन नहीं देंगे। माननीय डिप्टी चेयरमैन जी, मैं तमिलनाडु के लोगों को अच्छी सरकार देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ में रहने वाली गठबंधन सरकार नहीं चाहती कि मैं तमिलनाडु की जनता की सेवा कर सकूं। इसलिए मैं समझ गया कि मेरी सरकार किसी से डरने वाली नहीं है। मैंने इसलिए फैसला कर लिया है कि मैं अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करके दिखाऊंगा। सभी लोग ध्यान दें कि डिनर के बाद अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर फैसला होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी। इसके लिए सभी की वोटिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी को अपना अपना वोट डालना जरूरी है। अबे सारथी तुमने ये क्या वक्त दिया, क्या हो गया तुझे? हाँ सर, ये आप क्या कर रहे हैं, मीटिंग छोड़ के आ गए? अरे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे ये सब क्या कर इन सब का सेल फोन ले लो। अरे कुछ नहीं होने वाला। मिनिस्टर साहब आप मेरी बात सुनिए, आपके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया है, और उसके बाद अगर ये मेरा नाम लेता है तो मैं आपको फंसा दूंगा। सारथी प्रेस वालों के सामने रिश्वत लेने की बात कबूल कर चुका है, फिर भी तुम लोग फंस जाओगे। मेरे ही कारण तुम आराम से मंत्री बने थे। एक काम करो, अब तुम राजनीति से संन्यास ले लो। नेताजी जेल जाने में डर लग रहा है क्या? सारथी। अरे रे सर,
जेल में जाने से डर लग रहा है, ऐसा बोलकर मस्ती कर रहे हैं। अरे ये गलती किसी आम आदमी ने की है क्या जो जेल में डाल देंगे? अरे आप जैसे बड़े लोग जब गलती करते हैं तो सिर्फ पेपर में आता है सर, इसीलिए तो आज तक गलती पे गलती करते ही जा रहे हैं। अरे हाँ, हम गलती पे गलती करते जाएंगे तो क्या हुआ, लेकिन एक बात सुन लो, अगर इन्हें फ्री में एक सेल फोन दे दो तो ये जनता आपके अलावा और किसी को वोट दे ही नहीं सकती है। इस बात को किसी महान व्यक्ति ने कहा है सर, बेवकूफ लोग वोट दे देते हैं, लालच में आकर न्याय का फैसला नहीं कर पाते हैं इलेक्शन में, इसीलिए तो इलेक्शन में हर बार हम ही जीतते आए हैं। ए सारथी, ज्यादा उछलो मत, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ। अभी थोड़ी देर में सरकार गिरने वाली है, उससे पहले हमारी इज्जत उतारना जरूरी था क्या? अब तक तो मैडम अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी होंगी, तुम्हें क्या चाहिए साफ साफ बताओ, चलो अंदर आओ। तो क्या पैसे देने के लिए तैयार? अरे अभी से समझ में आ गया। अच्छा बता, तुझे कितना चाहिए? 5-10? खैर छोड़ो, 10 ले लो। आप जो डॉलर लाए हो उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 100 करोड़ है। 50-50 50 करोड़ दे सकते हैं क्या? अरे मंजूर है तो बोलिए। मंजूर, चलो ठीक है, 50 दे दूंगा, बात खत्म करो। ये क्या बात कर रहे हो? अरे तुम चुप करो यार। ठीक है दे दूंगा, लेकिन एक डील है, प्रेस वालों के सामने मेरी बात बतानी पड़ेगी, डील पक्की, मंजूर है? मैंने कहा था ना ये मेरी बात मान जाएगा, बोलो। प्रोग्राम बनाने वालों के लिए है ना, बताना भाई। चलो मान गया भाई, चलो भाइयों। अब विश्वास मत का फैसला होने वाला है, मुझे तो लगता है कि सरकार डूब जाएगी। दाढ़ी, कम हियर। ये क्या कलेक्टर साहब, आपने तो एमजीआर की जैसी घड़ी पहनी है। वो क्या है ना, अच्छा काम करने के लिए एमजीआर के रास्ते पर चलने से काम सफल हो जाता है। ये लो। हाँ दोस्तों, मिठाई और बिरयानी कैसी थी? बिरयानी तो बहुत अच्छी थी सर, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे? अब वक्त बर्बाद मत करो, मैंने जो कहा ही नहीं बता दो। अरे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना इनको। नेताजी, आप सबके सामने मुझसे सच बुलवाना चाहते हैं। ये बड़प्पन है भाई। एक और बात बताना चाहूंगा, नेताजी ने जो बात मना की थी वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्होंने बाहर ही बता दिया था कि हम दोनों फंस जाएंगे। सही कहा। ये क्या बकरा है तू? उनको बोलने दीजिए, ये मंत्री हैं, हमें साफ साफ बताइए। बताएंगे नहीं, साफ साफ दिखाएंगे। टीवी में आने वाले प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है सर्वेश आईएएस ने, इसीलिए तो इलेक्शन में हर बार हम ही जीतते आए हैं। क्या हो गया? ए सारथी, ज्यादा उछलो मत, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन। अभी थोड़ी देर में सरकार गिरने वाली है, उससे पहले हमारी इज्जत उतारना जरूरी था क्या? अब तक तो मैडम अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी होंगी। तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग नहीं था क्या? मैंने घड़ी को एमजीआर की स्टाइल में शर्ट के ऊपर पहनी हुई थी, उसमें कैमरा लगा हुआ था भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी। रिकॉर्ड करो उसको जल्दी। मेंबर देवी नायिका की ओर से उनके साथी वोट देने के लिए तैयार है या साथ दे रहे हैं, इस सवाल में खुलासा करने के लिए मैं उन सबसे विनती करता हूँ। इस सभा के डिप्टी चेयरमैन जी, ये सरकार अगर गिर गई तो वापस इलेक्शन होगा, इससे राज्य सरकार को 5,000 करोड़ रुपए का फालतू खर्चा होगा। सिर्फ यही बात नहीं, ये सरकार अच्छी है या नहीं है इसका फैसला जनता करेगी। हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए इस वक्त ये अविश्वास प्रस्ताव का लाना ठीक नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए बेफिजूल का खर्चा ठीक नहीं। हम ऑपोजिशन पार्टी वाले भी जनता द्वारा चुने गए हैं, हम लोग देश के दुश्मन नहीं है बल्कि देश को बचाते हैं। कोई भी फिजूल खर्ची करे, हम लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये साफ किए देते हैं। इसलिए मैं और मेरे साथी श्रीमान जी के साहब के सरकार का समर्थन करते हैं और उनके पक्ष में वोट देते हैं। माननीय डिप्टी चेयरमैन जी, ये राजनीतिक धोखा है, हम इस सदन से बाहर जा रहे हैं। मैंने तुझे बड़ा किया और तू मेरे खिलाफ जा रहा है, छोड़ दो भाई, तुझे जान से मार दूंगा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं नेताजी, ये टीवी वाले आपको टीवी पर दिखा रहे हैं, आज जैसे हंस के फंस देते हैं ना वैसे। पुलिस पुलिस इधर आइए, मंत्री जी को एक आदमी शर्ट पकड़कर खींच रहा है और आप लोग वहाँ पर तमाशा देख रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है मुझे अरेस्ट करने के लिए? अरे आपको घोटाला करने के जुर्म में अरेस्ट नहीं कर रहे हैं भाई साहब, तो फिर हराई जी के मर्डर केस में अरेस्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, थराई जी को आखिरी बार सारथी मिला था, सारथी ही असली कातिल है, मैं सच कह रहा हूँ। आपकी बात यहाँ कोई नहीं मानने वाला। अप्रूवल बन गया है तो ये जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा क्या? नेताजी सुनिए, मेरी बात सुनिए आप,
पढ़ा लिखा आदमी गलती करता है तो सोच समझ कर करता है, लेकिन आपके जैसा अनपढ़ आदमी बिना सोचे समझे करता है। मैंने सही कहा ना सर? थराई जी के मरने के आधे घंटे के बाद ही आप उसके घर पे 6 फीट लंबा हार लेकर पहुँचे। उस हार को बनाने में मेरे ख्याल से लगभग 3 घंटे का समय लगता है। क्यों, बात बिल्कुल सच है ना? इसी बात को सोचकर मुझे आप पर शक हुआ था भाई। उसके बाद मैंने एक टीम सेटअप की, टीम को आपके पीछे लगा दिया और आप फंस गए। सच्चाई सामने आ गई, अब देखो। वो हमेशा तुम्हारे साथ घूमता है ना, तुम्हारा हाफ बॉयल भाई, उसी ने तुम्हारे बारे में पुलिस को सब कुछ बताया है। हे भगवान, टाइम वेस्ट मत कीजिए, इनको घसीटते हुए ले। देखिए मैंने इनका भला किया, मेरे साथ तक आप मंत्री बनकर रहे। यू आर अंडर अरेस्ट, तुम खुद जाकर जीप में बैठो, आप पता चल जाएगा कानून के कितने हाथ लंबे होते हैं। आप लोगों के सारे डाउट्स हम दोनों क्लियर करेंगे। मैडम जग्गू बॉय जिंदाबाद, मैडम जग्गू बॉय जिंदाबाद, मैडम जग्गू बॉय जिंदाबाद, मैडम जग्गू बॉय जिंदाबाद, मैडम जग्गू बॉय जिंदाबाद। कहाँ जा रहे हैं सर? मुख्यमंत्री से मिलने। अविश्वास का प्रस्ताव राज्य असेंबली में नहीं लाए हैं सर? जानता हूँ सर, लेकिन मैं उनसे किसी और वजह से मिलना चाहता हूँ। बस हो गया सर, अब आगे मैं इस पोस्ट पे बिल्कुल नहीं रहना चाहता सर। ओह, उस दिन कहा था ना कि अच्छा इंसान बनकर जीने में बहुत खुशी मिलती है, खुशी क्या होती है अब पता चला सर। सर मुझसे जो गलती हुई उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से मिलकर अपना रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ। प्लीज स्टॉप, समझ में आ गया? डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर मुझे माफ कर दीजिए, फिल्म की शूटिंग में जाना है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप लिफ्ट दे देंगे तो अच्छा रहेगा। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, आइए आइए। डॉक्टर आप डॉक्टर मुखर्जी हो ना? डॉक्टर मुखर्जी, हाँ हमने हिंदी फिल्म में कई कैरेक्टर किए होंगे, आपने वही देखा होगा। हिंदी फिल्म में? डॉक्टर साहब शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मैं मंत्री पार्थ सारथी, किसी ने मेरे सर पे पत्थर मारा था और मैं आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और आपने बोला था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ओह वो कहानी है क्या? कहानी? हाँ सर, आप मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन वो सर्वेश ने आकर मुझे डॉक्टर की एक्टिंग करने को कहा और अच्छे काम के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो क्या आप वाकई डॉक्टर नहीं है? मैं डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ सर। सर्वेश जी के कहने पर आपने ये सब किया? हाँ सर, मैं अपने काम की कसम खा के कहता हूँ, आपके दिमाग में कोई गड़बड़ नहीं है और ना ही कोई बीमारी है, आप थोड़े दिन जिएंगे ऐसा झूठ बोलने को कहा था। मैंने अपने 40 साल के कैरियर में उस दिन एक भी डायलॉग नहीं भूला था सर, और उस दिन तो ज्यादा इंग्लिश ही डायलॉग थे। सर्वेश साहब ने मेरी एक्टिंग की तारीफ की थी और एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया था। एक्स्ट्रा पेमेंट दिया? तेरी तो हा? कहाँ चला गया वो? अरे कहाँ छुप गए? सर आप सच बोल रहे हैं ना? मैं अपने काम की कसम खा के कहता हूँ, सच कह रहा हूँ। वो क्या है ना सर, जब इंसान को मौत का डर लगने लगता है तो वो अपने आप सुधर जाता है सर, यही सोचकर मैंने करवाया था सर। कलेक्टर मास करो, मुझे सुधरना चाहते थे तो इतना बड़ा नाटक क्यों किया? अरे चुपचाप समझा देते कि ऐसा मत करो, इतने बड़े बड़े नेताओं के प्रवचन सुनाने की क्या जरूरत थी। अरे भाई मौत का डर दिखाकर कोई किसी को सुधारता है क्या? रोज रोज मर मर के जी रहा हूँ भाई। भाई आप इधर आओ, आपको जो पत्थर लगा था, क्या पत्थर भी इसने मारा था? वो इन्होंने ही मारा था। तेरी मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं एक आश्रम बनाकर साधु बन जाऊंगा और आप वहाँ हमसे मिलने आएंगे, तभी मुलाकात होगी। इस पत्थर से नहीं मारा था सर।